स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द सेकेंड क्लास ऑफ ट्रांसरप्राइजिंग। ट्रांसरप्राइजिंग के सेकेंड क्लास में स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। सो होपफुली स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर नाउ लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ होपफुली एवरीथिंग इज़ वेल। एक सिचुएशन इमर्ज हुई थी अबाउट दिस कोरोना वायरस इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी, तो सिचुएशन उस कॉन्टेक्स्ट में थी। सो स्टूडेंट्स, अब चालू कर लेते हैं। आई थिंक वी कैन ट्राई टू फोकस ऑन आर पर्टिकुलर कंटेंट। होपफुली मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन दिया था कॉस्ट प्लस मेथड का। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव। मैंने एमटीपी का आपको एक क्वेश्चन डाला था और होपफुली आप लोगों ने वो क्वेश्चन देखा होगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स जल्द से जल्द अब बाकी एरिया ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग भी देख लेंगे। तो आते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को लेके, लेट्स लुक अपॉन टू दिस वन। पहले वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट प्लस मेथड में करना क्या होगा एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जो आपने इनकर किया था वो लेना, ठीक है। फिर जो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में, जो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है उसमें कितना हुआ है द टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो वो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन का वो करना है, और फिर उस अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन में जो जीपी मार्जिन जो चार्ज की गई थी वो पता लगाएं आप, और उस जीपी मार्जिन को हमें एडजस्ट करना होगा। वो जीपी मार्जिन को क्या है, हमें एडजस्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ ऑल द अनकॉमन फैक्टर्स बिटवीन द ए ट्रांजैक्शन एंड द अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन। तो हमें वो अनकॉमन फैक्टर लेके एडजस्ट करके वी हैव टू अराइव एट द रिवाइज जीपी मार्जिन, और उससे बेसिस में फिर आप क्या करोगे, वो जो स्टेप वन का जो आपका कॉस्ट है ऑफ द ए ट्रांजैक्शन, उससे आप एडजस्टेड जीपी मार्जिन को ऐड करके आप क्या कर लेंगे, आपको एएलपी मिल जाएगी, और वही एएलपी फिर आप कंपेयर करोगे विद द ट्रांसफर प्राइसिंग विद द ट्रांसफर प्राइस, उससे आप क्या करेंगे फाइनली ट्रांसफर प्राइस की एडजस्टमेंट ले लेंगे। यही प्राइमरी प्रोसीजर है। तो उसी बेसिस पे आते हैं फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखने के लिए। और भी दो अटेम्प्ट, दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपके पास देखो तीन हो गए क्वेश्चन बैंक। एक तो ये जो मैंने डाला है, प्लस और दो बार पूछा है स्टूडेंट्स कॉस्ट प्लस मेथड को लेके, तो वो भी आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी तो जो एक मैंने वाला क्वेश्चन डाला है, चलो उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, लेट्स हैव अ लुक। तो इसमें इफ वी कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, A Company Limited is an Indian company at Pune. It provides software development services to various customers, and also its associated enterprise B Company Limited of Miami, USA. ठीक है, it billed rupees 2 crores for the software development services rendered to B Company Limited during the year 1920.
तो आपके दो वो जो ए है ए कंपनी लिमिटेड, ठीक है, और आपको उसका जो ए है वो है आपका बी कंपनी लिमिटेड ऑफ मियामी यूएसए। तो ये हो गया आपका सोशल एंटरप्राइज। इसके बाद इट बिल्ड ₹2 करोड़ फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज रेंडर्ड टू बी कंपनी लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 1920। तो उसने क्या है, उसने अपने एई को बताओ कितना चार्ज किया है, ₹2 करोड़ चार्ज किया है फॉर दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। आगे देखते हैं, द टोटल कॉस्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क वॉज ₹175 लाख। तो ए देखो स्टेप वन का मिल गया आपको, यही चीज तो है आपका स्टेप वन स्टूडेंट्स, इजंट इट? तो ये स्टेप वन का आपको मिल जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब इन द केस ऑफ अनरिलेटेड पार्टीज ऑफ सिमिलर सर्विस ए कंपनी लिमिटेड अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। तो आपको सीधा दे दिया गया है कि भाई जो आपके अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में जो जीपी ऑन कॉस्ट है वो कितना है, 50%। तो दे दिया, अच्छी बात है, वो कैलकुलेशन से हम बच गए। नहीं तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको ये दिया जाए कि अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में वो कितना चार्ज करते हैं टू देयर कस्टमर्स और उनकी अपनी कॉस्ट क्या है। कभी कभी ये भी दे सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में वो कितना चार्ज करते हैं टू द कस्टमर और उसमें उनकी कॉस्ट क्या बनती है, और उससे आपको मार्जिन क्या है पता लगाना पड़ता है फॉर द मार्जिन ऑन द कॉस्ट, मार्जिन ऑन द कॉस्ट, उससे फिर आपको मार्जिन ऑन द कॉस्ट पता लगाना होता है। चलिए यहां तो दे दिया, द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशिंग फीचर आर ऑब्जर्व बिटवीन द ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी दैट इज बी कंपनी लिमिटेड एंड अदर अनरिलेटेड पार्टी। तो ये क्या है आपको दिया गया, अनकंट्रोल्ड और ए ट्रांजैक्शन के बीच में जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उसके बारे में आपको ये दिया गया है। देखते हैं क्या है, बी कंपनी लिमिटेड प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू ए कंपनी लिमिटेड इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट असाइंड बाय इट। तो बी कंपनी लिमिटेड की तरफ से क्या है, ए कंपनी लिमिटेड को क्या मिला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, उनको वो मिला है टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिला है। इन द केस ऑफ अनरिलेटेड पार्टी द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट एक्सपेंडिचर फॉर द सिमिलर प्रोजेक्ट वुड बी हाउ मच, 17,50,000। कहने का मतलब क्या होगा, अगर मुझे टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिला है स्टूडेंट्स तो एज अ कंपनी मैं अपने ए को चार्ज कम करूंगा या ज्यादा करूंगा, कम करूंगा, और अगर कम करूंगा तो उससे मेरा मार्जिन कम होना चाहिए। तो उससे अगर मेरा मार्जिन कम होना चाहिए तो इस वजह से क्या होगा कि मेरा मार्जिन जो ए का ट्रांजैक्शन है उसकी मार्जिन कम है और अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन का मार्जिन ज्यादा है, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट आपको कस्टमर से नहीं मिल रहा। तो इस वजह से बताइए क्या करना होगा, इस वजह से आपने वो 50% ऑन कॉस्ट में क्या करेंगे, आप उसको रिड्यूस करेंगे, आप उसे रिड्यूस करेंगे इन दिस केस टेक्नोलॉजी सपोर्ट से। तो अब ये देखो 17.5 लाख का इन्होंने दिया है, 50% में 17.5 लाख का दिया है। अब भी देखो कैसे इसको गेम खेला गया, 17.5 लाख दिया गया, टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है, 175 लाख। तो 17.5 लाख एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 10% हुआ। 17.5 लाख एज अ परसेंटेज अभी चालू हुआ भारती, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कितना हुआ है, 110% हुआ। तो 10% क्या होगा, वो रिड्यूस किया जाएगा, 10% क्या होगा, दैट विल बी रिड्यूस। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ठीक है, चलिए वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी सपोर्ट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी सपोर्ट हमें हमारे एई ने दिया है, बी लिमिटेड हो हमारे एई है, उन्होंने हमें क्या टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया है। तो अगर वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट अगर हमें देंगे तो मैं उसको ज्यादा चार्ज करूंगा या कम चार्ज करूंगा, कम चार्ज करूंगा, भाई मेहरबानी है आपकी, तो फिर उस हिसाब से कम चार्ज करना होगा। और अगर कम मैंने चार्ज किया है तो फिर ऐसे केस में प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, और अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन तो कम होना है, और यही टेक्नोलॉजी सपोर्ट अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन में नहीं मिला है तो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस अनकॉमन फैक्टर, बिकॉज ऑफ दिस अनकॉमन फैक्टर, तो मुझे इसको रिकनसाइल करना पड़ेगा। तो 50% जो मेरा अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें से मैं इसको रिड्यूस करूंगा, तो कितना रिड्यूस किया मैंने, 10%। ये पहला एडजस्टमेंट है। दूसरे में आइए, ए कंपनी लिमिटेड ने दिया है डिस्काउंट 10% का किसे, अपने ए को, एंड दिस बेनिफिट इज नॉट गिवन टू द आउटसाइड कस्टमर।
तो भाई बात वाजिब है, अगर 10% का डिस्काउंट हम देते हैं अपने एई को तो मार्जिन कम है, और एई अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में ये फिर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर भी 10% का डिस्काउंट दे के उसे कम करना होगा। थर्ड में आइए, ए कंपनी लिमिटेड कैरीड आउट मार्केटिंग फंक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विद बी कंपनी लिमिटेड एंड इनकर्ड 13,12,500। दिस मार्केटिंग फंक्शन इज नॉट नॉर्मली प्रोवाइडेड बाय ए कंपनी लिमिटेड टू आउटसाइड पार्टीज। मतलब मैं एज अ कंपनी, ए कंपनी लिमिटेड, मैंने क्या किया है, मार्केटिंग फंक्शन प्रोवाइड करवाई है अपने एई को। तो अगर मैं मार्केटिंग फंक्शंस प्रोवाइड करता हूं अपने एई को, तो मेरा जो प्राइस जो मैं चार्ज करूंगा वो ज्यादा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि मैं उसको मार्केटिंग फंक्शन के साथ क्या है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वो एक्सटेंट तक मेरा क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने से मेरी मार्जिन बढ़ेगी। ये इस तरीके से सपोर्ट, ये अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में नहीं है, तो वहां पे प्राइस ज्यादा नहीं होगा, उससे मार्जिन भी कम रहेगा। तो इस वजह से ये जो 50% का जो मार्जिन है ऑफ द अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, उसमें मुझे फिर क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऑफ दिस अनकॉमन फैक्टर को मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब ये 13,12,500 है, बस वही गेम खेलेंगे। 175 लाख का तो आपको दिया ही गया है टोटल कॉस्ट। सो एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कितना होगा ये आपको निकाल देना है, एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कितना होगा ये आपको निकाल देना है। आपको इसका बताया गया कि कितना ये इसकी अमाउंट बनती है, 13,12,500। ठीक, अब ये बोला गया आपसे कि भाई 175 लाख आपकी टोटल कॉस्ट है, तो ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकाल लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा वहीं पे। अब आए हैं लास्ट पॉइंट पे, फोर्थ में, ए कंपनी लिमिटेड प्रोवाइडेड एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड। उन्होंने एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड दिए स्टूडेंट्स, ठीक है, उन्होंने एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड दिया है। सो ए कंपनी लिमिटेड प्रोवाइडेड एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड एंड द कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट पीरियड इज एस्टिमेटेड एट, कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट पीरियड इज एस्टिमेटेड एट 2.5% ऑफ इट्स कॉस्ट। तो उन्होंने प्रोवाइड किया एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड, ठीक है, और उसने, और जो कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट पीरियड इज एस्टिमेटेड एट 2.5% ऑफ इट्स कॉस्ट। दिस एक्सटेंडेड पीरियड इज गिवन ओनली बिकॉज बी कंपनी लिमिटेड इज एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ठीक है, तो ऐसे हालात में जब मैं उसको क्रेडिट पीरियड में बता रहा हूँ, तो उतना फाइनेंसिंग में उसको वो होगा, प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रेडिट पीरियड दूंगा तो अकॉर्डिंगली उतना चार्ज होगा, फाइनेंसिंग कॉस्ट एक तरीके से वो लोड हो जाएगी मेरे ट्रांजैक्शन में, इज़न्ट इट। तो क्रेडिट पीरियड का क्या हो जाता है, फाइनेंसिंग कॉस्ट वो आपके प्राइस में चार्ज होता है। तो ये किसको आपने ये क्रेडिट पीरियड दिया है, अपने एई को, तो आपके प्राइस में वो फाइनेंसिंग कॉस्ट ऐड हुई होगी, और क्योंकि वो फाइनेंसिंग कॉस्ट ऐड हुई होगी तो प्राइस ज़्यादा हुआ होगा, और प्राइस ज़्यादा होने से आपके एई ट्रांजैक्शन का मार्जिन भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, तो उसमें प्राइस में इसकी लोडिंग नहीं बनी होगी, प्राइस में इसकी लोडिंग नहीं बनी होगी, तो फिर वो 50% जो ये प्राइमरी आपका मार्जिन है इन दी अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, उसके अंदर ये लोडिंग नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसकी लोडिंग देनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, वो अनकॉमन फैक्टर का एडजस्टमेंट का इफेक्ट ये बन जाएगा। तो मुझे ऐड करना होगा 50% पे, और यही चीज करके प्राइमरी क्या होगा, ये ऐड करेंगे आप एक बार देख लेते हैं, सॉल्यूशन में भी 50% होगा आपका, ये 10% आपका टेक्नोलॉजी सपोर्ट, ठीक है, लेस आपने वो किया है डिस्काउंट रिलेटेड जो है वो 10%, तो चलो ये बनाई है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ क्रेडिट 2.5%, ऐड मार्केटिंग फंक्शन 7.5%, मैंने बताया ना कि 175 लाख से परसेंटेज निकाले, और ये आपका 7.5%, ये होगा 40% स्टूडेंट आपका बनता है दी एडजस्टेड जीपी मार्जिन। इसे कहेंगे दी एडजस्टेड जीपी मार्जिन, और एक बार ये एडजस्टेड जीपी मार्जिन आपको मिल गया, अब बताओ क्या करना होगा, यही एडजस्टेड जीपी मार्जिन को आपको 175 लाख वाले कॉस्ट पे लोड करवा देना है, उससे आपको एएलपी मिल जाएगी। लोडिंग की हमने, बिल्कुल की, और मिल गया आपको ये अमाउंट, एएलपी मिल गया 245 लाख, एज अगेंस्ट मैंने बी लिमिटेड को कितना चार्ज किया है, 200 लाख, तो कितने की ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट बनेगी, 45 लाख। ठीक है, दिस इज ऑल द थिंग्स हैज टू बी लुक्ड अपॉन। लीजिए स्टूडेंट, ठाकुर, बाय अप्लाइंग रेशनल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट वी विल गेट एब्सर्ड
adjusted profit margin in case where margin are on lower side. Because what we are doing here is we are reducing percentage of cost from profit percentage. In case of lower margin business, even small percentage of cost assistance from AE will wipe out maximum profit. ठाकुर ये क्वेरी मुझे क्लियर हो नहीं रही है। ये जो देख रहे हो ना आप लोग जो ऊपर चैट में हैं, आप या तो वो चैट में एक बार आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा कि वो चैट जो ऊपर डाला गया ना आप लोगों को, उस चैट में आप आ जाइएगा, मैं वहाँ पर हो सके तो आपको रिप्लाई वहाँ पर कर दूँगा, ठीक है? तो आप वहाँ पर आ जाइएगा और वहीं पे प्राइमरी क्या है आपको मैं रिप्लाई करवा देता हूँ, ठीक? चलिए स्टूडेंट्स, अब गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। चलिए अभी मत क्वेरी डाल देना, बाद में एंड में डालना। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़े स्टूडेंट, चलिए। अब स्टूडेंट्स यहां पे आइएगा, हमने ये कंप्लीट कर दिया कॉस्ट प्लस मेथड को, ये अब कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, आखिरी में स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग टीएनएमएम मेथड में। एक बार ये भी इस पर नजर घुमाइए, टीएनएमएम मेथड, ये ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, लास्ट एक मेथड एक बार देख लेते हैं एंड लेट्स प्रोसीड देयर आफ्टर। तो टीएनएमएम मेथड क्या करता है, आइडेंटिफाई द नेट मार्जिन की ये बात करता है स्टूडेंट, नेट मार्जिन की बात होती है इसके अंदर, टू द एंटरप्राइज फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द ए ट्रांजैक्शन, प्रियंका का क्वेश्चन है, नहीं, एडजस्टमेंट्स आर ऑलवेज मेड टू द अनकंट्रोल प्राइस, अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन प्राइस, जो अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन का प्राइस है या तो आप उसमें एडजस्टमेंट करते हैं या अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन के जो मार्जिन है आप उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इज वेयर यू मेक द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आप ए में नहीं करते, ए के ट्रांजैक्शन में नहीं करते, एडजस्टमेंट आप करते हो जो आपने बेस, आपका बेस आपका क्या रहता है, व्हाट इज द बेस फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट, तो जो बेस आपका रहता है फॉर द पर्पस ऑफ द एडजस्टमेंट इज आइदर द प्राइस इन द कंपेरेबल ट्रांजैक्शन, अगर आप कप मेथड की बात करते हो उस टाइप से तो, या फिर इट इज द मार्जिन ऑफ द अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन अगर आप रीसेल प्राइस मेथड या फिर आप कॉस्ट प्लस मेथड की अगर हम बात करते हैं तो जो एडजस्टमेंट आप करते हो वो आप किस पे करते हो, आइदर द प्राइस ऑफ द अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन और व्हाट, और द मार्जिन ऑफ द अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन एज द केस में भी। आइए स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड में आपने क्या करना है, पहला पॉइंट आपको बताया गया, अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने दिया है आप सभी लोगों को नोट्स, होपफुली आप लोगों को सभी लोग को ये चार्ट मिल गया होगा, दिस चार्ट इज ऑलरेडी बिन नाउ शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। सो आइडेंटिफाई द नेट मार्जिन ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, दिनेश एंड में मैं करवाता हूं, एंड में ये करता हूं आपको, ठीक है? आइडेंटिफाई द नेट मार्जिन टू द एंटरप्राइज फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाई नेट मार्जिन फ्रॉम कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन, पॉइंट नंबर थ्री एडजस्ट टू विथ द फैक्टर्स। तो ऐसे केस में पहले क्या करना है, आपने नेट मार्जिन लेना है टू द एंटरप्राइज। पहले बात बता दूं ये ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड कहाँ पे अप्लाई होता है, थोड़ा सा आपको पहले ज्ञान दे दूं फिर ये थियरी पढ़ते हैं, नहीं तो ये थियरी डायरेक्टली पढ़ते हैं तो दिमाग में कुछ जाता नहीं है। स्टूडेंट्स जैसे मैंने कहा, अच्छा प्लीज नोट करना जो अब मैं कहने जा रहा हूं, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड इज अ सुपर फाइन मेथड ऑफ रीसेल प्राइस मार्जिन वाला मेथड या फिर कॉस्ट प्लस मेथड। तो ये जो दो मेथड आपके पास है, रीसेल प्राइस मेथड या फिर कॉस्ट प्लस मेथड, इसका एक रिफाइन मेथड है। आप बोलेंगे ये रिफाइन मेथड का मतलब क्या है, रीसेल प्राइस मेथड का मैंने आपको एग्जांपल तो दे ही दिया, क्या दिया था,
यही लॉरियल का प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको ही आगे जाके एक्सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब बाकी दूसरे पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना, ये जो रीसेल प्राइस मेथड है यहाँ पे, उसमें अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, और एक एग्जांपल। मैं इंपोर्ट करता हूँ रॉ मटेरियल पार्ट्स और फिर उसको प्रोसेस करके रीसेल करता हूँ। मैं पार्ट्स को रॉ इंपोर्ट करता हूँ, प्रोसेस करके उसको क्या करता हूँ, मैं इसे रीसेल करता हूँ। तो बताइए जनाब, क्या उस पर्टिकुलर केस में मैं रीसेल प्राइस मेथड अप्लाई कर सकता हूँ? क्या इस पर्टिकुलर केस में मैं रीसेल प्राइस मेथड अप्लाई कर सकता हूँ ब्लाइंडली? एंड द आंसर इज नो। यहाँ पे मैं रीसेल प्राइस मेथड को मैं ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, किस मेथड में अप्लाई करना होगा आपको? ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन। तो यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन का गेम नहीं होगा, यहाँ पे जो गेम होगा स्टूडेंट्स, किसका होगा? नेट मार्जिन का गेम। सो दिस इज देयरफॉर नोन एज व्हाट? दिस इज देयरफॉर नोन एज अ रिफाइंड मेथड। ये किसका मेथड का रिफाइंड रिफाइनमेंट है? रीसेल प्राइस मेथड का। रीसेल प्राइस मेथड का ये फर्दर रिफाइंड मेथड है, ठीक। अच्छा, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड एक तरीके से कॉस्ट का अगर बेस ले ले तो वो रिफाइंड कॉस्ट प्लस मेथड भी बन सकता है। ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड अगर कॉस्ट का बेस ले ले तो वो कॉस्ट प्लस मेथड भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जेपी मॉर्गन वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वो तो कॉस्ट प्लस मेथड का निकल गया आराम से, वो तो आराम ही से निकल गया ना आपका कॉस्ट प्लस मेथड में, ठीक है। कि जेपी मॉर्गन चेस जो है, वो मॉर्गन स्टैनली जो है, उसका जो है होल्डिंग कंपनी, उसका इंडिया में उसका बैक ऑफिस है जेपी मॉर्गन चेस। सो इट इज अ बैक ऑफिस ऑफ मॉर्गन स्टैनली। लेकिन आप मान के चले, और एक कंपनी का मैं बारे में बताता हूँ, इट इज कैप जेमिनी। कैप जेमिनी एक बैक ऑफिस कंपनी है, और वो बैक ऑफिस कंपनी है नॉट फॉर वन कंपनी, मेनी कंपनीज, वो बैक ऑफिस कंपनी है। यहाँ पे बहुतों के लिए वो बैक ऑफिस ऑपरेशन का काम करती है कैप जेमिनी। अब बताएं, ऐसे केस में क्या कॉस्ट प्लस मेथड उतना वाजिब होगा? क्योंकि अब आप नोटिस करना कितना दिक्कत हो सकता है कि भाई आपके पास यहाँ पे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए आपने नहीं किया है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा वो तो बहुत सारे एंटिटी के लिए आपको अब स्प्रेड लेना होगा। तो सिर्फ प्लेन वनीला कॉस्ट प्लस मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। जो प्लेन वनीला कॉस्ट प्लस मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा, जैसे आपने बहुत मासूमियत तरीके से जो जेपी मॉर्गन चेस में कर दिया था, वहां तो बहुत आसान था आपके लिए। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो भी डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, वो लोड आपको किसको करना है? मॉर्गन स्टैनली को करना है। वो लोडिंग आपको किसको करना है? मॉर्गन स्टैनली को करना है। वहां तो आप बहुत आसानी से अपने पूरी लोडिंग मॉर्गन स्टैनली को करवा दी, यहां पे क्या करोगे? जबकि आपका बैक ऑफिस 10-12 कंपनियों को क्या कर रहा है? सर्व कर रहा है। तो अब सिर्फ प्लेन वनीला कॉस्ट मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, तो यहां पर रिफाइंड ये क्या होगा? नेट मार्जिन के आधार पे क्या होगा? ये नेट मार्जिन के आधार पे प्राइमली ये मेथड आपको आगे बढ़ाना होगा। तो ये कॉस्ट प्लस ये जो ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड जो है ना, ये एक तरीके से मैं कह सकता हूं स्टूडेंट्स, इट इज व्हाट? इट इज अ रिफाइंड रिफाइंड मेथड ऑफ अ रीसेल प्राइस मार्जिन, और इट इज अ रिफाइंड मेथड ऑफ कॉस्ट प्लस मेथड। अब एग्जामिनेशन, ये सबसे आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना, जितना मैंने आपको समझा दिया ना, उतना टेक्निकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का क्वेश्चन डाल देते हैं। अच्छा, जिस तरीके से क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशन में, डेफिनेटली मजबूरी है स्टूडेंट्स, ये भी आप अप्रिशिएट करें। ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन पे आईसीआई इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं डाल सकती है, उसके लिए तो बड़ा बड़ा आपको एक क्या है, दो दो तीन तीन पन्ने का क्वेश्चन चाहिए होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने एक अटेम्प्ट मार दिया था पिछले, या पिछले टू मई के अटेम्प्ट में, मई या नवंबर 18 के अटेम्प्ट में, दो में से एक, वहां उन्होंने क्या कर दिया था? ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन पे एक उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया। एक्चुअली था कुछ नहीं, बहुत असली आसान था, वो कॉस्ट प्लस मेथड ही निकल गया था, वो इतना आसान था वो मेथड। तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू रेज अपॉन इज दिस, ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन मेथड इज नथिंग बट अ रिफाइंड मेथड ऑफ रीसेल प्राइस मेथड। उसका कंपेरिजन कैसे करोगे? मैंने बता दिया कैसे करोगे कंपैरिजन, रीसेल प्राइस मेथड में जो खरीदा उसी आगे रीसेल किया। ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड में जब करोगे तो उसका मतलब होगा आपने जो खरीदा है उसको फर्दर प्रोसेसिंग किया जा रहा है और उसके बाद उसे रीसेल कर रहा है, वो एक केस है। तो यहाँ पे बेस जो है वो रीसेल है,
तो ट्रांजैक्शन मेथड, नेट मार्जिन मेथड इज ये रिफाइंड मेथड है ऑफ द रीसेल प्राइस मेथड का। उसी तरीके से ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड वुड बी अ रिफाइंड मेथड ऑफ अ कॉस्ट प्लस मेथड, जहां पे क्या जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंटिटी के लिए नहीं है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको मोर देन वन एंटिटी के लिए क्या है ये लागू किया जाता है। तो उस समय पे आप सिर्फ कॉस्ट प्लस मेथड के बेसिस पे अपना आंसर नहीं ला सकते। और अगर आप देखोगे अब थियरी पे, यहाँ पे जरा थियरी पे नजर घुमाना स्टूडेंट्स, क्या है ये थियरी? आइडेंटिफाई द नेट मार्जिन, देखो मैंने क्या लिखा है, आइडेंटिफाई करेंगे आप नेट मार्जिन। जैसे कि रीसेल प्राइस मेथड में आप लोग ग्रॉस मार्जिन करते थे, कॉस्ट प्लस मेथड में भी आप मार्जिन आइडेंटिफाई करवाते थे, वहां पर भी तो मार्जिन आइडेंटिफाई की जाती थी ना कॉस्ट प्लस मेथड में, ठीक है, टू द एंटरप्राइज फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो इससे ही पता चल जाना चाहिए मार्जिन वाली बात सिर्फ दो जगह पे बात की जाती है, वो है आपका रीसेल प्राइस मेथड एंड कॉस्ट प्लस मेथड, यही दो जगह पे मार्जिन वाली बात रखी जाती है। जबकि कप मेथड कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड में क्या मार्जिन वाली बात रखी जाती है, प्राइस वाली बात रखी जाती है? प्राइस वाली बात रखी जाती है। तो इसी से पता चल जाना चाहिए कि भाई जब ये टीएनएमएम मेथड, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, जब वो बात कर रहे हैं किसकी, आइडेंटिफाई नेट मार्जिन की, तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि मार्जिन हमने अभी तक कहाँ कहाँ पढ़ा है। रीसेल प्राइस मार्जिन में भी हमें ग्रॉस मार्जिन निकालना पड़ता है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, और कॉस्ट प्लस मेथड में भी हमें क्या करना होता है, अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन का भी क्या करना होता है, हमें मार्जिन पता लगाना पड़ता है एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट। अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन का मार्जिन निकालना पड़ता है एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, यही करते हैं ना हम लोग। लेकिन ये दोनों ही क्या है, प्राइमली ग्रॉस के बेसिस पर है। पॉइंट नंबर टू देखना, आइडेंटिफाई द नेट मार्जिन फ्रॉम द कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन। तो यही आ गया ना गेम असली में, अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन का आपको क्या करना है, मार्जिन निकालना है। और फिर आप क्या करोगे, एडजस्ट टू विथ, जो सेकेंड पॉइंट है देखिएगा क्या लिखा है, जो अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन का जो नेट मार्जिन है, जो अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन का जो नेट मार्जिन है उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। किससे एडजस्ट करेंगे, विद द फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब है द अनकॉमन फैक्टर्स, उससे आप एडजस्ट करेंगे एंड फाइनली वो नेट मार्जिन मिल जाएगा। और अब वो नेट मार्जिन आपको क्या करना है, आपको अपने प्राइमली उसमें लगाना है, अप्लाई करना है। किस में अप्लाई करोगे, इन द ए ट्रांजैक्शन। देखिए पॉइंट नंबर चार मैंने क्या लिखा है, व्हाट आई हैव रिटन, एएलपी विल बी कंप्यूटेड विथ एडजस्टेड नेट मार्जिन, एएलपी विल बी कंप्यूटेड विथ द एडजस्टेड नेट मार्जिन कंप्यूटेड इन थ्री। तो ऑब्वियसली कि एएलपी जो होगा, अगर ये कॉस्ट प्लस मेथड की अगर बात करेंगे, ध्यान से सुनना, कॉस्ट प्लस मेथड की अगर बात करेंगे तो जो भी कॉस्ट है उसमें ये नेट मार्जिन आप क्या करना है, ऐड कर देना है। ये जो एडजस्टेड नेट मार्जिन जो होगा, ये जो एडजस्टेड नेट मार्जिन जो होगा वो ऐड कर देना है, वो एक हो, अगर ये आप कॉस्ट प्लस मेथड के हिसाब से चल रहे हो। और अगर आप चल रहे हो किसके हिसाब से, रीसेल प्राइस मेथड के हिसाब से अगर आप चल रहे हो, तो यही नेट मार्जिन फिर आपको क्या करना होगा, आपको उसको रिड्यूस करना होगा किससे, विद द रीसेल जो आपने किया है इन द ए ट्रांजैक्शन, रीसेल जो किया है आपके ए ट्रांजैक्शन में, तो वो नेट मार्जिन आप वहां तक रिड्यूस करेंगे। फिर जो आपने एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर जो इनकर किया है, जो इंपोर्ट करने के बाद, अपने ए से इंपोर्ट करने के बाद जो फर्दर एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है, वो फर्दर एक्सपेंडिचर को आप रिड्यूस कर लें, और फिर आपको मिल जाएगा द आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ द परचेज जो आपका होना चाहिए ऑफ दैट रॉ मटेरियल एज कंपेयर टू द एक्चुअल इम्पोर्ट प्राइस, एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस जो आपको चार्ज किया है किसने, आपके ए ने। और डिफरेंस आपका बन जाएगा क्या, द ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट, डिफरेंस बन जाएगा स्टूडेंट्स आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट। दिस इज हाउ इट हैज टू बी कंसीडर्ड। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? चलिए अब आगे देखते हैं, यहां पे द टीएनएमएम मेक्स यूज ऑफ नेट प्रॉफिट इंडिकेटर एज अ मींस फॉर दिस कंपैरिजन। दिस इज द रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट रिलेटिव टू अ बेस सच एज कॉस्ट, सेल्स और एसेट। अच्छा अब नोटिस करना आखिरी के दो लाइन, दो सेंटेंस जो मैंने इस्तेमाल किया उस पर आप ध्यान देना। इफ टीएनएमएम यूजेस द नेट कॉस्ट प्लस मार्जिन एज अ नेट प्रॉफिट इंडिकेटर, नेट कॉस्ट प्लस मार्जिन, तो उस केस में वन ऑफन रेफर इट सिंपली एज नेट कॉस्ट प्लस मेथड। तो ये किसका रूप ले लेगा, कॉस्ट प्लस मेथड का रूप लेगा, लेकिन नेट कॉस्ट प्लस मेथड। इफ टीएनएमएम यूजेस नेट रीसेल
माइनस मार्जिन एज अ नेट प्रॉफिट इंडिकेटर वन ऑफन रेफर्ड टू एज नेट रीसेल प्राइस मेथड। तो यही मैंने आपको बात रखी थी और यही असली अल्टीमेटली इसके अंदर क्या है आपको कैलकुलेशन करना है। लेकिन सुनो, एग्जामिनेशन में जैसे बताया ना, TNMM मेथड आएगा तो आपको एक फील देगा किसका, अगर इसमें यहाँ पे आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इस चीज़ को। देखिए, एग्जामिनेशन में जो आया था, आप लोग देख लेना, वो कॉस्ट प्लस के बेस पे आया था। कॉस्ट प्लस का बेस था, रीसेल प्राइस का बेस नहीं था वो। अगर रीसेल प्राइस पे अगर अगर क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ जाए आपको TNMM मेथड को लेके, तो कुछ बात ऐसी होगी कि आपने अपने AE से क्या किया है, परचेज किया होगा, फिर उसके बाद रीसेल नहीं हुआ है, आगे कुछ प्रोसेसिंग हुई है आपसे, सो एडिशनल प्रोसेस गया है, फिर आगे आपने क्या है इसको बेचा है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से एक अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन इसमें होगा, और यहाँ पे नॉन ए एंड नॉन ए, अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन ये होगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर भी कुछ ऐसे एडिशनल प्रोसेसेस हुए होंगे, और फिर फाइनली क्या होगा, इसको बेचा है, इट हैज बिन सोल्ड। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या करेंगे आप लोग, पहले इसका सबसे पहला पॉइंट है कि आप इसका मार्जिन लें, मार्जिन परसेंटेज ये निकालते हैं, इसको फिर ऐड और लेस करते हैं एडजस्टमेंट विथ अनकॉमन फैक्टर, विथ अनकॉमन फैक्टर ये आप ऐड और लेस कर लें जो भी होगा, और फिर उसको जो फाइनल परसेंटेज बनता है, ये परसेंटेज आपका बनेगा द एडजस्टेड नेट मार्जिन, एडजस्टेड नेट मार्जिन। क्या कहेंगे आप लोग इसको, सुन, एडजस्टेड नेट मार्जिन, ये एडजस्टेड नेट मार्जिन आपको इससे रिड्यूस करना है, थर्ड पॉइंट में एडजस्टेड नेट मार्जिन, वो आपको यहां तक पहुंचा देगा। फिर उसके बाद ये जो इस प्राइस को जो होगा लेस क्या करेंगे, एडिशनल जो कॉस्ट है ये आप उससे माइनस कर दें, ये दे देगा आपको ELP, दिस वुड बी दी ELP, ये बनेगा स्टूडेंट आपका ELP। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड फर्दर इन दिस केस। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं अपने अगले पार्ट में, और ये भी एक बहुत क्रिटिकल है, मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है।
तो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, लेट्स हैव अ लुक क्विकली। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होपफुली आप सभी लोग ने ये कंप्लीट अप कर लिया है। आइए स्टूडेंट्स, यहां पे आप नोटिस करना स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग ये देख रहे हो, इफ मेथड प्रॉफिट स्प्लिट बहुत आसान है ध्रुव, बहुत ही आसान मेथड प्रॉफिट स्प्लिट है एक्चुअली। वो रीडिंग से भी, एक सिंगल रीडिंग से भी पता चल जाएगा। सारे टेक्निकल मेथड ये है, आप लोग प्रॉफिट स्प्लिट मेथड एज ए होमवर्क ले लें, सबसे आसान वही मेथड है इन दिस एंटायर सेगमेंट। प्रॉफिट को स्प्लिट, वो परसेंटेज वो पूरा स्प्लिट करना पड़ेगा विद अ रेशियो, और उससे हिसाब से एएलपी लानी है। जस्ट एक सिंगल रीडिंग से उसका आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट स्प्लिट मेथड जनरली कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। जॉइंट वेंचर्स में, जेवी में क्या होता है, मोर देन वन ए क्या होता है, दे कम टुगेदर एंड अकॉर्डिंगली क्या करते हैं कि एक, वो फिर क्या करेंगे उसमें एक इंडिया का ए भी रहेगा, वो भी उस जेवी का हिस्सा रहे, वो भी क्या रहेगा, जेवी का वो हिस्सेदारी उसकी रहेगी बाकियों के साथ। ठीक है, अब सब लोग तो आगे मिल गए। अब होता क्या है इसमें स्टूडेंट, अब होगा ये सब लोगों की ये जो जेवी बनी हुई है प्राइमरी, वो एक प्रोजेक्ट के लिए बनी है, प्रोजेक्ट फिर आगे एग्जीक्यूट होगा। अब जब वो प्रोजेक्ट आगे एग्जीक्यूट होगा फिर उसमें स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वो है उसकी प्राइस बनेगी। ठीक, जो भी होगा कंसिडरेशन रिम्यूनरेशन जो भी होगा वो होगा। अब होगा क्या मालूम है कि इंडिया वाले को बहुत कम मिलेगा, जो कंसिडरेशन इंडिया वाले का रहेगा वो काफी कम आएगा। ठीक है, क्योंकि टैक्स रेट इंडिया का ज्यादा होगा, इस वजह से इसको काफी कम कंसिडरेशन आएगा एज कंपेयर टू ऑल दी अदर पार्टीज। तो कैसे पता लगाए कि इंडिया वाले को कितना मिलना चाहिए, कैसे पता लगाए कि इंडिया वाले को कितना मिलना चाहिए, वो उनके रिलेटिव, ये सारे पार्टियों के रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन के मुताबिक ही पता चलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स FAR। FAR का फुल फॉर्म है फंक्शंस परफॉर्म्ड, एसेट एम्प्लॉयड एंड रिस्क अज्यूम्ड। खतरा किसने कितना लिया है उसके आधार पे तो बंटवारा होगा, फंक्शंस किसने क्या परफॉर्म किया है उसके आधार पे तो बंटवारा होगा, और एसेट किसने क्या एम्प्लॉय किया है उसके आधार पे ही तो बंटवारा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं बंटवारे के लिए। तो क्या ये वाजिब तरीके से बंटवारा हुआ है बाय डूइंग दी FAR एनालिसिस, और इंडिया का जो परसेंटेज बनता है FAR में, क्या इंडिया को उतना हिस्सा मिला है या उससे कम मिला है, और अगर उससे कम मिला है तो फिर आप क्या करोगे, ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट कर दोगे। ये एक केस है, और एक केस में आपको एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल होगा कि जहां मैंने मान में स्टार्टिंग किया था ट्रांसफर प्राइसिंग में 92.2 का, उस 92.2 में मैंने बताया था कि कॉमन एक्सपेंडिचर आप इनकर करते हो, जैसे HO एक्सपेंडिचर, उसमें आप इंडिया वाले को सबसे ज्यादा बोझ डाल दोगे, सबसे ज्यादा बोझ इंडिया वालों को डालोगे कॉमन एक्सपेंडिचर में। क्यों? क्योंकि इंडिया का टैक्स रेट ज्यादा है, तो चाहेंगे कि इंडिया वाले को ज्यादा बोझ डाला जाए ताकि उसकी प्रॉफिट कम हो, साथ ही साथ टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। तो वो भी जो कॉमन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट जो होगा, दैट ऑल्सो वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द FAR एनालिसिस, दैट वुड ऑल्सो बी ऑन द बेसिस ऑफ द FAR एनालिसिस। तो FAR के आधार पर ही उसकी भी अपोर्शनमेंट आपको करनी पड़ेगी, फिर उसको इंडिया का कितना हिस्सा उसको इंडिया को एट्रीब्यूट करेगा वो FAR के आधार पे इंडिया वाले को आप एट्रीब्यूट कर ले, और उतना ही अमाउंट क्या है डेबिट होना चाहिए था एज कंपेयर टू जो एक्चुअल डेबिट हुआ है, तो उससे क्या होगा डिफरेंस जो बनेगा, वो डिफरेंस होगा आपका द ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट। ये है आपकी प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। अब बाकी में अब देखो, ये मल्टी ईयर डेटा स्टूडेंट्स देख रहे हो आप लोग, जो आपका मेथड जो अप्लाई किया गया है, जो मेथड जो अप्लाई किया गया है कप मेथड को छोड़ के, बाकी कोई भी मेथड अगर अप्लाई किया गया है, कप मेथड को छोड़ के बाकी कोई भी मेथड अप्लाई किया गया है, तो ऐसे केस में प्राइमरी क्या होगा, ऐसे केस में आपको, बस मुझे 2 मिनट एक बस ये दे देना,
क्या है कि सब जगह पे खबर चली गई थी जो आज चेकिंग हुआ था वो टीम की कोरोना वायरस को लेके, तो सबको लग रहा है कि भाई हमारे घर पे कोई आया है, घर पे नहीं है सोसाइटी में हुआ था। तो लेकिन सबसे मैं बता रहा हूँ कि सबसे हालत ख़राब, मैं आपको पूरे कंट्री में सबसे हालत ख़राब हो गई है मुंबई की, गली गली मोहल्ले मोहल्ले पे अल्टीमेटली ये दहशत फैली हुई है कोरोना वायरस की। सबसे खतरनाक चीज़ है कि देख है ही कहाँ पे कोरोना वायरस, ये जंग भी तो किससे लड़ रहे हो आप, किससे लड़ोगे? प्राइमरी सिचुएशन ऐसा बन गया आपका, सबसे सबसे बुरा हाल प्राइमरी मुंबई का है, बहुत खतरनाक। अब आप वो मेरे डॉटर्स को देखा ही था कल परसों में आपने, और 2 महीने हो गए घर पे ही है, बाहर कैसे लेकर जाए, चिंता रहती है ना एट दिस पर्टिकुलर टाइम। अपन तो फिर भी अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बहाने से बिल्डिंग के नीचे तो चले जाते हैं, उतना तो कर ही लेते हैं बिल्डिंग के नीचे जाने का काम, बाहर नहीं जाते लेकिन बिल्डिंग के नीचे तो जाने का बहाना चाहिए, आदत नहीं है इतना टाइम किसको घर पे रहने की। चलिए वही है ना, जिंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो जाए जीना तो पड़ता ही है। अहमदाबाद में भी बहुत हालत ख़राब है, बिल्कुल हाँ है, लेकिन मुंबई में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया हालत, ये तो कंट्रोल ही नहीं है अब तो, सिचुएशन ऐसा है। देखो क्या होता है आज, लॉकडाउन तो है ही है लेकिन ये कितना टाइम तक चलेगा, ये ऐसा ही चल ऐसी यही जिंदगी है, अब क्या करें। तो बहुत ही डेंजरस है, और अगर ऐसी रुका, बोलते हैं कि जून और जुलाई में स्पाइक होगा, अब अगर ये स्पाइक हो तो कहाँ एग्जामिनेशन होगा फिर, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये अब बोलते हैं ना कि सब आज ही है, बस जो है वो आज है, कल क्या होगा अल्टीमेटली किसने देखा है, वो हिसाब है एक्चुअली जो है ना, वो सब स्टूडेंट्स को प्रेजेंट में ये जीना सिखा दिया है। तो बहुत सब लोग एक्चुअली जैसे बात करते हैं कि ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, पर आज प्रेजेंट तो ऐसे निकल जाता है, तो सबको प्रेजेंट में सीखना ये जीना सिखा दिया, ये है आपका कोरोना वायरस, सीख दे के गए कोरोना वायरस जीने, उनको भी आदर से बोलना पड़ेगा, इजंट इट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेकार हालत है मुंबई में, तो बहुत ही हालत खराब है। चलिए अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इफ मेथड इस सिचुएशन में कप मेथड, मैं आता हूँ इसमें, कप मेथड जो होगा इसमें, क्योंकि मार्जिन वाली बात आती है, जसप्रीत जसप्रीत ये मार्जिन वाली गेम है। देखिएगा आप सुरंत, शुभम, मैंने शुभम ने पूछा है कि कल का आप सर एनआर टैक्सेशन का हमें पीडीएफ दीजिए। शुभम मैंने कोई पीडीएफ नहीं दिया था, आज के क्लास की पीडीएफ दी थी, कल जो एनआर टैक्सेशन जो हुआ था, 2 क्लास जो हुई थी एनआर टैक्सेशन की, उसमें पीडीएफ नहीं बांटी गई थी, उसमें मैंने लिखवाया था और बच्चों को बोला गया था स्पेसिफिकली कि आपको लिखना होगा। आज के क्लास में मैंने पीडीएफ बांटी है और असेसमेंट के प्रोसीजर और पेनाल्टीज की, तो टोटल अभी तक देखा जाए तो मेरी तरफ से 3 पीडीएफ गई हैं आपको लोगों को, 3 पीडीएफ, 2 असेसमेंट की गई है इजंट इट प्राइमरी, 2 असेसमेंट के लिए गई थी जिसमें से एक असेसमेंट और एक पेनाल्टीज था, और अब ट्रांसफर प्राइजिंग का आपको जा रहा है। सो इन ऑल 3 पीडीएफ हैज बिन गिवन। हाँ एक एमटीपी का तो पीडीएफ बहुत पहले ही चला गया था, 4 पीडीएफ अगर होगा तो एमटीपी का जो मॉडल टेस्ट पेपर का पीडीएफ है वो तो पहले ही चला गया था, ये चीज़ है ध्यान रखना। ठीक, अब स्टूडेंट्स आइएगा इस कॉन्टेक्स्ट में, ये जो इफ मेथड एक्सेप्ट कप मेथड, इसमें जरा देखना मल्टीपल ईयर डेटा ये क्या होता है, इसको मैंने एक प्रैक्टिकल के जरिए आपको समझाया है, प्रैक्टिकल के जरिए बताया, फाइन। बस इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, और वो ये है, एमटीपी के सॉल्यूशन वीडियो पूछ लिया बबीता ने, 15 तारीख को तो एमटीपी का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे चैनल पे, मैं डाल दूंगा, और जो वीडियो है उसके बाद आ जाएगा, और जो वीडियो जाएगा स्टूडेंट्स वो देखना तभी लाइव जाएगा, वो तब की तब बात होगी, अभी देखेंगे नहीं। ठीक है, एमटीपी वीडियो आइए स्टूडेंट्स। हाँ कृष, मैं वो करवाता हूँ। अब आप लोग इस कॉन्टेक्स्ट में पहले, अब आप लोग इसमें देख लीजिएगा, तो कप मेथड जो है ना, यहाँ पे इफ मेथड है, कप मेथड को छोड़ के आपने बाकी जो मेथड के हिसाब से अगर आप अपनी एएलपी ला रहे हो तो उसमें ये क्या कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो, मल्टी ईयर डेटा के
के हिसाब से आप मार्जिन को एवरेज निकाल सकते हो, मतलब कि मल्टी ईयर डेटा को अपना के आप अपनी एएलपी डिटरमाइन कर सकते हो। ये कैसे एप्लीकेबल होगा उसके लिए मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डाला हुआ है। इस पे आईसीएआर ने क्वेश्चन अभी तक 2002 से लेके स्टूडेंट्स 2020 तक, क्वेश्चन 2020 तो अभी आएगा, तो उसमें क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है। मुझे यही एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि ये एरिया पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, हाउ दे आर गोइंग टू आस्क, ठीक है? वो कैसे पूछेंगे प्राइमली वो मैं आपको बताता हूँ, लेट्स हैव अ लुक। पहले उसको करने के पहले मैं आपको बाकी भी चीज बताता हूँ। स्टूडेंट्स आपको ये रेंज कंसेप्ट के बारे में भी पता होगा, याद आ रहा है ना? रेंज कंसेप्ट है और एक एरिथमेटिक मीन है, याद करें आप लोग। आपको याद होगा कि अगर, ध्यान रखना, अगर देखिएगा ये देखेंगे कि ये देखो यहां पे लिखा है मैंने एक एएलपी और मोर देन वन एएलपी, ये चीज आपको जानकारी है, इजंट इट? देखिए क्या होता है, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे ना उसमें एक एक कंपेरेबल ही था आपके हाथ में स्टूडेंट्स, एक ही एक कंपेरेबल था, बिल्कुल एक ही कंपेरेबल आपके पास था स्टूडेंट्स। तो एक कंपेरेबल था तो उससे क्या आएगा, एक ही एलपी बनेगी। लेकिन आप ये सोचें क्या वास्तविक जीवन में क्या सिर्फ एक ही कंपेरेबल होगा मेरे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का विथ माय ए, क्या सिर्फ एक ही कंपेरेबल होगा? एंड आंसर इज नो। तब तो होगा क्या कि मेरे पास मोर देन वन कंपेरेबल होगा, और अगर आपके पास मोर देन वन कंपेरेबल है तो फिर उससे आप क्या करोगे, मोर देन वन एएलपी निकालोगे। तो अगर एक ही कंपेरेबल है तो एक ही एएलपी है, बस वही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अगर मोर देन वन कंपेरेबल होगा तो उस केस में आपका जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है, आपका जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है उसको अप्लाई करके आप क्या करेंगे, हर कंपेरेबल का आप एएलपी निकालेंगे। तो उससे आपको मोर देन वन एएलपी आ जाएगा, उससे आपको मोर देन वन एएलपी आ जाएगा। और अगर आपके पास मोर देन वन एएलपी आ गया है तो आप ये पता लगाएं, क्या पता लगाएं प्राइमली, क्या एएलपी कितनी है, मोर देन 6 जा रहा है या अप टू 6, 6 से ज्यादा या 6 तक। अगर 6 तक अगर गया है, 6 से ज्यादा नहीं है, इफ इट इज नो, 6 से ज्यादा नहीं है तो आप एम लेंगे। एम का मतलब क्या है, एरिथमेटिक मीन। एएलपी की एरिथमेटिक मीन ली जाएगी स्टूडेंट्स, एवरेज करते हैं हम, ठीक है? वी डू दी एवरेजिंग, और एवरेज करके वो अल्टीमेटली आपका एरिथमेटिक जो जितने भी एएलपीज हैं, से फॉर एग्जांपल 4 एएलपी आपने निकाला है, 4 कंपेरेबल था, 4 एएलपी निकल गई बाय अप्लाइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। और फिर आपका वो 4 एएलपी से क्या करेंगे आप, उसके एवरेज करके आपको फाइनली आपका वो एवरेज वाला एएलपी निकल जाएगा। अब वो जो एवरेज जो आपने निकाला है स्टूडेंट्स, अब आपको और एक स्टेप करना है, फाइनल स्टेप। वो फाइनल स्टेप क्या है, वो फाइनल स्टेप ये है, आप क्या करेंगे, देखेंगे जो डिफरेंस है बिटवीन दी एरिथमेटिक मीन वाला जो एवरेज वाला जो एएलपी है वो विथ दी ट्रांसफर प्राइस, देखें कि क्या वो डिफरेंस जो है क्या वो एक्सीड करता है, क्या वो डिफरेंस 3% ऑफ द ट्रांसफर प्राइस से भी ज्यादा एक्सीड करता है, 3% ऑफ द ट्रांसफर प्राइस से भी क्या ज्यादा वो एक्सीड करता है। अगर आप कहते हो कि हाँ वो एक्सीड करता है बाय मोर देन 3% ऑफ ट्रांसफर प्राइस, तो फिर आपका ट्रांसफर प्राइस स्टूडेंट अब रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, वो एरिथमेटिक मीन वाले एएलपी से ही क्या है, उससे ट्रांसफर प्राइसिंग की फाइनल एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी। ट्रांसफर प्राइस की फाइनल एडजस्टमेंट आपको देनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑल अबाउट, ये पॉइंट को बोलता है, ठीक है? लेकिन जैसे मैंने कहा ना स्टूडेंट्स कि अगर आपका कंपेरेबल साइज 6 से ज्यादा है, 6 से ज्यादा है, तो फिर ऐसे केस में आप ही बताओ, याद करो 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स, याद करो जब आप लोग एरिथमेटिक करते थे, आपने कभी एवरेज भी अगर जब आप करते हो तो एक लिमिटेड डेटा सेट में ही काम करता है, लिमिटेड डेटा सेट में ही काम करता है, मानते हो कि नहीं इस बात को? बिल्कुल। आपने कभी ऐसा एवरेज किया है, 40-50 नंबर थे आपके पास, आप सबको ऐड करते हो डिवाइडेड बाय 40, डिवाइड बाय 40, ऐसा कभी आपने किया है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एवरेज भी एक रीजनेबल, रीजनेबल एक्यूरेट नहीं, रीजनेबल एक्यूरेसी लिमिटेड डेटा सेट से ही दे सकता है। रीजनेबल एक्यूरेसी एवरेज जो कंसेप्ट है वो सिर्फ लिमिटेड डेटा सेट से ही दे लिया जा सकता है। अगर डेटा सेट ज्यादा है तो सिंपल एवरेज नहीं लगता, फिर उसमें आपको वेट लगाना पड़ता है, वेटेड एवरेज आ जाता है। और इसी वजह से इसी वजह से स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो, रेंज कंसेप्ट में आते हो।
मुझे लगता है स्टूडेंट आप सभी लोग को रेंज कंसेप्ट के बारे में पता है, तो मैं इसमें उलझाता नहीं हूँ। वो 35 आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सारे डेटा अरेंज करने हैं, 35% आपको निकालना है, फिर 65% निकालना है, फिर उसके बीच में वो डेसिमल आता है तो उसका अगला नंबर आपको लेना है, फिर आपको अपना रेंज क्रिएट करना है और देखना है कि क्या आपका जो ट्रांसफर प्राइस है उस रेंज के बीच में आ रहा है या नहीं। अगर रेंज के बीच में आ रहा है तब तो कोई आपत्ति नहीं है, रेंज के बीच में नहीं आ रहा है तब जाके थोड़ी आपत्ति होगी हमें, और आपत्ति होगी इसका मतलब क्या होगा, आपको फिर ALP डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ALP क्या होगा, 50% ऑफ मीडियन। तो वो मीडियन अगर ऑड है तो अकॉर्डिंगली वो अगला नंबर की तरफ, वो सॉरी डेसिमल में आ रहा है तो अगले नंबर पे आ जाएगा, अगर वो इवन नंबर है तो वो इवन नंबर वाला जो ALP है वो प्लस नेक्स्ट नंबर पे जो ALP है उसकी एवरेज लेके फाइनल आपका वो ALP बन जाएगा। दिस इज वॉट प्राइमरी आप लोग रेंज कंसेप्ट में करते हो, इजंट इट? तो आई थिंक ये कंसेप्ट सबको पता है, वे सब वेट कर रहे हैं कि कब आएगा एग्जामिनेशन में। देखो आप ही के अटेम्प्ट में आएगा, कैसे आएगा उसका एक मैंने झलक आपको दिया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, MTP 1 का क्वेश्चन नंबर 6। VSI लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इज अ कैप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑफ FSL लिमिटेड, ठीक है, अ कंपनी रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर विच इज दी होल्डिंग कंपनी ऑफ VSL लिमिटेड। तो इसकी क्या है, होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, तो उस हिसाब से दोनों बन गए एसोसिएट एंटरप्राइज। द VSL लिमिटेड हैज अर्न एन ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 4.16% ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंटर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 एज एंटर। तो द VSL लिमिटेड हैज अर्न एन ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 4.16% ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एज अंडर। तो ये आपको बताया गया कि ये आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 है, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन द ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन द ऑपरेटिंग कॉस्ट ये आपको इतना दिया गया है। ये आपके ट्रांजैक्शन का है, जो आपने ट्रांजैक्शन एंटर किया है अपने AE से, एट वॉट प्राइस जो आपने ट्रांजैक्शन एंटर किया है उसका नतीजा बताया गया कि भाई जो मार्जिन वीज़ अवीज़ द कॉस्ट आपके AE के ट्रांजैक्शन का जो है, मार्जिन वीज़ अवीज़ द कॉस्ट आपके AE ट्रांजैक्शन का जो है वो इतना है। आगे कंप्यूट द ALP एंड द प्राइमरी एडजस्टमेंट टू बी मेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा। क्या करना है आपने, नेम ऑफ कंपेरेबल ABC FY 17-18, 18-19 एंड 19-20, 3 साल का आपको डेटा दिया गया है। अब इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये देखो 3 साल का आपको दिया गया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट वीज़ अवेज़ दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब स्टूडेंट्स ये जो है ना TNMM मेथड है, ठीक है, TNMM मेथड है। तो अब आपको करना क्या है, ये देखिए स्टूडेंट वेटेड एवरेज से आपको मार्जिन निकालनी है। देखो आ गया ना, अब आप मुझे बताओ 3 कंपेरेबल है, मतलब 3 ही ALP इसकी निकलेंगी, 3 कंपेरेबल है तो 3 ही आर्म्स लेंथ मार्जिन आप निकाल सकते हो, 3 कंपेरेबल है तो कितना निकालोगे, 3 ही मार्जिन निकलेगा, आर्म्स लेंथ मार्जिन निकलेगा, इजंट इट? और फिर जब 3 ही निकलेगा तो फिर आपको एवरेज वाला कंसेप्ट में आना पड़ेगा, ना कि रेंज कंसेप्ट में, क्योंकि कंपेरेबल साइज कितना है, 3 है आपके पास। तो फिर आप कैसे इसको आजमाओगे, देखिए जनाब आइए पहला स्टेप देखिए, डेटा आपके पास कितना है, 3 साल का डेटा है, करंट ईयर प्लस लास्ट के 2 साल के, तो उस हिसाब से देखिए कैसे करेंगे आप। कंपेरेबल का नाम भी है ABC, लास्ट 3 साल का जो डेटा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आपके पास है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाला स्टेप स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये एग्रीगेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पॉइंट नंबर 6। तो इसमें आपको टोटल उठा देना है ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट और टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनका टोटल उठाना है, फाइन। और फिर आपने वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट वो ले लेना आपने, तो 12% आ रहा है पहले केस में, दूसरे केस में 8.2, तीसरे केस में अब आ रहा है आपके पास कितना, तीसरे केस का जो थर्ड ईयर का जो तीसरे कंपेरेबल का
जो 3 साल का डेटा है करंट ईयर प्लस लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि वहां तक ही कर सकते हो। बाय द वे बता दो, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट है, देख रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे अगर नेगेटिव अमाउंट भी अगर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसे भी कंसिडर करके चलना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कितना आपका है, 42 माइनस 9 तो ये 33 आ गया, ठीक। और फिर उस हिसाब से आपका इस केस में 6% बनता है। अब क्योंकि 3 का ही डेटा सेट था आपके पास, तो उस हिसाब से आप एरिथमेटिक मीन ही करोगे। और फिर देखिए एरिथमेटिक मीन आपने किया है इस पर्टिकुलर केस में, आपका आ गया 8.74। एरिथमेटिक मीन करके आ गया आपके पास 8.74, इजंट इट? तो ये 8.74 स्टूडेंट्स ये आपका आ गया है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिएगा वेरिफिकेशन वेदर, अब यहाँ पे क्या होगा, वो 103% लगाना है आपको, इजंट इट? कि जो अब ये 8.74 है, अब आपको क्या करना है, वो 3% ऑफ ट्रांसफर प्राइस जो है आपका, ये देखना होगा ना कि कहीं जो आपका ये जो है मार्जिन, जो एक्सपेक्टेड मार्जिन है आपका और वर्सेस जो आपका एक्चुअल मार्जिन है उसमें गैप कितना है। तो वो गैप अल्टीमेटली खुद ही पता चलेगा, ये तो मोर देन 3% है, कैसे पता चलेगा? सीधा आप क्या करना, 4.16% आपका जो ए ट्रांजेक्शन का मार्जिन है 4.16%, वो तो दिया ही गया है, उस पर आप 103% चढ़वा दो और फिर खुद ही देखो कि क्या आप 8% तक पहुंच भी पा रहे हो, जो आपका ये एवरेज जो आपने निकाला है, नहीं पहुंच पाओगे आप। इसका मतलब जो गैप है, जो फासला है बिटवीन दी एरिथमेटिक मीन ऑफ दी कंपेरेबल मार्जिन वर्सेस दी मार्जिन इन दी ए ट्रांजैक्शन, तो जो फासला है दैट इज बाय मोर देन 3%। और अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ये मार्जिन को इग्नोर करके मुझे किस मार्जिन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एरिथमेटिक मीन वाले मार्जिन को। और लीजिए फिर मैंने 8.74 के मार्जिन को एक्सेप्ट किया है और उसको मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो ए के ट्रांजैक्शन का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ए के ट्रांजेक्शन में कितना है, 240, वो 240 पे मैं क्या करूंगा, ये आपका 8.74 वाला जो परसेंटेज है वो लोड कर दिया जाएगा, जिससे आपको अपनी एएलपी मिलेगी। कितनी एएलपी आ गई, 260.96, ये मिल गई एएलपी वर्सेस आपने कितना चार्ज किया था अपने एई को, आपने चार्ज किया था 250, तो बताइए ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट कितना हो गया, 10.976। ये इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। जब भी आपके पास मोर देन 1 साल का डेटा सेट अगर होगा तो आपने सॉल्व इस तरीके से करना है। अब बताओ कप मेथड को क्यों नजरअंदाज किया गया, क्योंकि कप मेथड में आप मार्जिन से नहीं खेलते, कप मेथड में आप खेलते हो किससे, विद द एब्सोल्यूट नंबर। और जहां पे एब्सोल्यूट नंबर होता है वहां पे ये पर्टिकुलर कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये सिचुएशन है और ये लॉजिक है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, बिल्कुल ध्रुव वो एप्लीकेबल नहीं है। अब स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कंसेप्ट में। तो ये मैंने पूरा मेथड करवा दिया, तो लीजिए स्टूडेंट्स एप्लीकेबिलिटी के बाद याद आ रहा, सुबह को कहां से शुरू किए थे आपने, दिल्ली से शुरू किए थे और कानपुर तक तो पहुंचे हो आप लोग, एप्लीकेबिलिटी यहां से शुरू हुई थी, बीच में परसेंटेज भी चल रहा है, ये याद है कि सब भूल चुके हो, भूल ही गए, होश ही नहीं रहा। दूसरा एप्लीकेबिलिटी के बाद हमने मेथड देखा, ठीक है जसप्रीत, उसके बाद आपने मेथड देख लिया, अब आते हैं मेथड देखा है, अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट किस पे आएगा, आइए इसके बाद आपके पास प्राइमरी एडजस्टमेंट एएलपी निकाल के आप प्राइमरी एडजस्टमेंट कर लेते हो, फिर आते हो अल्टीमेटली कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट, याद है कि नहीं, सेकेंडरी एडजस्टमेंट की कंसेप्ट। तो लीजिए सेकेंडरी एडजस्टमेंट की कंसेप्ट आ चुकी है स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स एक अमेंडमेंट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, इस पे एक अमेंडमेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है और वो अमेंडमेंट आपको आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। इनफैक्ट दो अमेंडमेंट है इस पे, एक तो नोटिफिकेशन वाला अमेंडमेंट और एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम वाली अमेंडमेंट, और उस पे भी मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, बधाई हो स्टूडेंट्स आप लोगों को। क्या है वो क्वेश्चन देखेंगे, चलो पहले एक सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आपको ये तो पता ही होगा भाई क्या होगा इसके अंदर, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट जो है उसकी अगर जो डिफरेंस है, उसकी अगर कोई जो जो डिफरेंस है वो क्या है, बाय मोर देन 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ से वो एक्सीड करती है,
इफ द प्राइमरी एडजस्टमेंट एक्सीड बाय मोर देन ₹1 करोड़, ठीक है, तो उस केस में विद इन 90 डेज फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, विद इन 90 डेज वो फ्रॉम वॉट, फ्रॉम द रेलेवेंट डेट आपको क्या करना पड़ता है, वो पैसे को आपको रिपार्ट्रिएट करना पड़ेगा, कहाँ पे, इन इंडिया, वो पैसे को रिपार्ट्रिएट करना पड़ेगा आपको इन इंडिया। नहीं रिपार्ट्रिएट करोगे आप तो फिर ऐसे केस में क्या हो जाएगा बताओ, तो उसे हम डीम लोन मानेंगे, और वो जो डीम लोन होगा उस डीम लोन का बताइए क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उस पर आपको नोशनल इंटरेस्ट एवरी ईयर चढ़ता जाएगा जब तक आप वो पैसे को इंडिया में रिसीव नहीं करते हो तब तक। तो ये नोशनल इंटरेस्ट ये हर साल का अल्टीमेटली सरदर्द ही आपको बना के देगा। एवरी ईयर यू हैव टू कीप ऑन हैविंग दैट पर्टिकुलर नोशनल इंटरेस्ट आपके पर्टिकुलर उसमें जाता रहेगा टिल द टाइम यू विल नॉट बी रिसीविंग द मनी बैक फ्रॉम योर ए। अब आप सोचो ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज काफी पॉसिबल है, मुमकिन है ये बात कि आपको कभी भी रिसीव होगा ही नहीं, ये भी तो मुमकिन है ना कि आपको ये कभी रिसीव होगा ही नहीं, किससे, अपने ए से। क्योंकि भाई बुक अकाउंटिंग में आप नोटिस करो, जब आप अकाउंटिंग करते हो तो किस प्राइस पे करते हो, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे करते हो, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे आप क्या करते हो, अपनी अकाउंटिंग करते हो। तो अब आप किस बेसिस पे आप बोलोगे कि भाई इतना पैसा चुकाना है, वो तो टैक्स एडजस्टमेंट के वजह से क्या हो रहा है, प्राइमरी एक डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अकाउंट जो बुक्स में आप जो रिकॉर्ड करते हो वो तो अकाउंटिंग, वो तो ट्रांजैक्शन में क्या इनवॉइस रेज किया था उसके आधार पे अकाउंटिंग होती है। तो फिर ये देखो ना कि वो कैसे, वो सामने वाला पार्टी भी आपको रिपार्ट्रेट करेगा डिफरेंस अमाउंट, वो बोलेगा मुझे जस्टिफिकेशन तो चाहिए, मुझे भी तो आगे जवाब देना है अपने शेयर होल्डर को, मैं क्या जस्टिफाई करूंगा कि भाई ये डिफरेंस कहां से गया, जबकि इनवॉइस पे तो मैंने ये लगा था, इनवॉइस चार्ज पे तो मैंने ये पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको इनवॉइस रेज किया है और उसके हिसाब से बुक्स ये हुआ है, मैंने इसको रिकॉर्ड किया अपने बुक्स में। और अब आप ये बोलते हो कि नहीं भाई वो जो डिफरेंस है जो हमारे कंट्री में हमारा जो असेसिंग ऑफिसर ने जो क्या किया, ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट किया है, उसको वो पर्टिकुलर प्राइस से आपने क्या करना है, वो डिफरेंस को हमें रिपार्ट्रेट करना है। वो क्या बोलेगा भाई रिपार्ट्रेट के लिए जस्टिफिकेशन मैं कैसे दूंगा आगे, मुझे भी तो आगे जस्टिफिकेशन देना है। तो उस केस में स्टूडेंट्स ये पॉसिबल है कि वो कभी रिपार्ट्रेट करेगा ही नहीं, और अगर वो रिपार्ट्रेट नहीं करेगा तो बस हम हर साल जख्मी होते जाएंगे, और जख्मी कैसे होते जाएंगे, यही नोशनल इंटरेस्ट हर साल चढ़ता रहेगा। और इसी चीज को स्टूडेंट्स आप अल्टीमेटली इसी चीज का तोड़ उन्होंने बोला है कि ठीक है भाई बहुत जख्मी हो चुके हो आप इस पर्टिकुलर केस में, और ये नोशनल इंटरेस्ट का रेट आपको पता ही है क्या है, वो नोशनल इंटरेस्ट का रेट ये अगर आपका ध्यान रखना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर आपका इंडियन रुपी में अगर कोट किया गया है तो आपने जो भी SBI का रेट रहेगा प्लस 325 बेसिस पॉइंट से आप क्या करोगे इसको लोड करोगे, 325 बेसिस पॉइंट से क्या होगा ये लोड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये होगा। और अगर ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर फॉरेन करेंसी में ये क्या है, ये फॉरेन करेंसी में अगर इसे डिनोमिनेट किया गया होगा तो फिर वो आपको क्या करना होगा, उसको लाइबोर का जो रेट दिया जाएगा क्वेश्चन में उसको 300 बेसिस पॉइंट से क्या है वो आप करेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर सिचुएशन यहां पर आएगा। तो यहां पे स्टूडेंट अब आप नोटिस करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में 300 बेसिस पॉइंट एंड 325 बेसिस पॉइंट। तो एक क्योंकि मैं इसमें फोकस करूं कि नवंबर 18 के अटेम्प्ट में इन्होंने क्वेश्चन रॉन्ग पूछ लिया था, वो क्वेश्चन रॉन्ग क्या पूछा था वो भी मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स। उन्होंने योकोहोमा का क्वेश्चन था वो येन में था जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन येन में था, और भाई साहब ने उन्होंने क्या किया था, उन्होंने SBI का रेट दे दिया था, SBI का रेट दिया था, जबकि वो ट्रांजैक्शन इंडिया के AE ने किस पे किया था, वो उन्होंने किया था इन येन। तो ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में हुई थी और उन्होंने जो क्वेश्चन में आपको बेसिस पॉइंट दिया था वो SBI का दिया था, जबकि वो गलत है। आपको मिलना किस में चाहिए था, नॉट इन द SBI रेट, आपको मिलना चाहिए था ऑन LIBOR। तो ये मैंने इनफैक्ट अपने YouTube में वीडियो भी निकाली थी तुरंत एग्जामिनेशन के बाद, और बताया था कि स्टूडेंट को कि इस पे आपको मार्क्स मिल सकता है अगर आपने ये किया है, तो आप थोड़ा केयरफुल रखना यहाँ पे कि वो ट्रांजैक्शन जो कोट किया जा रहा है वो किस पे किया गया है, और उसी हिसाब से आपको फिर क्या करना है, वो नोशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो नोशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है
Either it would be 3.25 if the transaction is quoted in Indian rupee, or it will be at 3% if the transaction is quoted in foreign currency. बस ये चीज आप लोग ध्यान रखें. अब ये जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है स्टूडेंट्स, वो ध्यान रखना आप लोग क्या है. यही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आया है. अब मैंने बताया ना, वो पैसा ही नहीं मिलने वाला उसको, हो सकता कभी मिले ही नहीं, क्योंकि वो बोलेगा कि मैं किस मुंह से अल्टीमेटली आगे वो बोलूंगा और मैं आपको पैसा नहीं दे सकता. बात सही भी है उसकी एक तरीके से. तो इस वजह से वो बोलेगा गया, तो इंडियन यही बोलता मैं तो ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा, हर साल बस ऐड किए जाओ इंटरेस्ट को ये बेसिस पे. और इस वजह से क्या होगा, इन्होंने बोला चलो ठीक है हम आपका दर्द समझते हैं, और इसी वजह से एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ये आपको दिलवा दी जाती है. और ये स्कीम है 20.9664%. इसके अंदर सरचार्ज सब लोड लगा के, इसमें आप देखते हैं ये नहीं हो, ये क्या नहीं देखते हो कि भैया आपने वो टोटल इनकम के ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये आपको देखना नहीं है. सीधा आप फ्लैट इसको लोड करवा के 20.9664% ये आप किस पे लगवाओगे, आप ये 20.664% किस पे लगाओगे, ऑन द एक्सेस मनी. एक्सेस मनी का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड पे देखो तो एक्सेस मनी का मतलब है ट्रांसफर प्राइस माइनस द एएलपी. ट्रांसफर प्राइस माइनस द एएलपी, तो वो जो डिफरेंस है उसको एक्सेस मनी कहेंगे. और उस पर आपको 20.9664% लगवा के फाइनली ये वन टाइम टैक्स आपको पे करना है. इसको हम कहेंगे एज एन एडिशनल टैक्स, दिस वुड बी व्हाट इन अ फॉर्म ऑफ एन एडिशनल टैक्स, ठीक है. और ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 सितंबर 2019. तो प्लीज नोट करना, आपको ये भी बोला जा सकता है कि भाई इतने सालों का वो जो इंटरेस्ट है उसने पे नहीं किया, सॉरी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बनता होगा, आउटस्टैंडिंग वो नोशनल इंटरेस्ट बन जाता होगा, इजंट इट. तो आपको आउटस्टैंडिंग वैल्यू पे 20.9664 नहीं लगवाना है, ये गलती मत करना ये कि प्रिंसिपल जो डिफरेंस है प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. नहीं नहीं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो बस आपको टैक्स उस साल के लिए लगाने के लिए लिया जाता है. लॉजिक समझे है इसको पकड़ना स्टूडेंट्स, कि जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो उस साल का उससे इनकम बनाने के लिए लिया जाता है. ये नहीं कि वाकई में कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मेरे जेब में आना है, कुछ नहीं आना है. वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज जस्ट अ नोशनल कैलकुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग द अमाउंट एज द इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर. वो सिर्फ एक नोशनल अमाउंट है, वो किसके लिए है, एड करने के लिए है एज द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर. उसका रोल बस उतना ही है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का रोल बस उतना ही है. तो उस वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, वहां पे ये चीज ध्यान रखना, जो आपको ये 20.9664% लगवाना है वो सिर्फ वो डिफरेंस पे लगवाना है, एंड द डिफरेंस इज नथिंग बट दी ट्रांसफर प्राइस एंड दी एएलपी. उस पे ये लगवा के आपको वन टाइम पेमेंट ऑफ टैक्स का ये अमाउंट मिल जाएगा. अब इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आ गया. दूसरा अमेंडमेंट जो आ रहा है ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरा अमेंडमेंट जो आ रहा है थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे आप लोग. बिफोर दैट स्टूडेंट्स मुझे और एक जगह बताओ, ध्यान से सुनना इसको, और आपको अभी तक मैंने जो पढ़ाया था उसके हिसाब से बताना, और कहां पे आप सरचार्ज के लिए टोटल इनकम नहीं देखते हो, और वो कौन से और सिचुएशन है. एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आ गया आपके पास, 10 5 नंबर का क्वेश्चन, वो कौन से जगह पे सरचार्ज अप्लाई करने के लिए आप क्या नहीं देखोगे. यू विल नॉट सी व्हाट द टोटल इनकम थ्रेशोल्ड. जल्दी से टाइप करके बताते रहिए जनाब, वो कौन से और केसेस हैं जहां पे सरचार्ज को अप्लाई करने के लिए आप टोटल इनकम नहीं देखते. ये 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ऐसे दे दिया जाए ना तो मजा आ जाए, तब थोड़ा दम आ जाए असली में. जल्दी लिखो. ध्रुव ने एक आंसर तो दिया है, दीक्षिता स्पेसिफिक बताए, ध्रुव ने दूसरा भी बताया. स्पेसिफिक बताइए, समाधान ने भी आंसर दे दिया है, बलिया ने भी आंसर दिया, जसप्रीत ने भी आंसर दे दिया, क्रिश, बाकी सब स्टूडेंट बोलते भाई हमें भी बताओ आंसर के रूप में कौन से नॉन रेसिडेंट के केस में अशोका.
दीक्षिता वहाँ नहीं, वहाँ पे सरचार्ज आप देखती हैं दीक्षिता, यू एक्चुअली सी द सरचार्ज 270A के, जब आप पेनाल्टी कैलकुलेट करते हो ना, तो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, वहाँ सरचार्ज देखा जाता है, वहाँ पे सरचार्ज और सेस, बाद में सेस तो लगता ही है, लेकिन सरचार्ज देखा जाता है 270A में। ब्लाइंडली आप सरचार्ज ऐड नहीं करते। बिल्कुल सही कहा, देखो जसप्रीत ने भी सही कहा इस बात को लेते हुए। स्टूडेंट्स, एक कंपनी असेसमेंट में अभी आने वाला टॉपिक हम लोग कल करेंगे, 115BAA, 115BAB, नाम तो सुना ही होगा आपने, नया सेक्शन, ठीक है, ये नया सेक्शन है, फाइन। उसके अलावा एक है आपका 115BBE, जो हमने कर लिया है, याद आ रहा है 68 से 69D पे क्या लगता है, 60% प्लस 25% फ्लैट प्लस 4%, वो हो गया। फिर एक्रेडिट इनकम पे, एक्रेडिट इनकम पे भी क्या है सरचार्ज, बताओ कितना लगाना है। एक्रेडिट इनकम पे सरचार्ज कितना है, 12%, इजंट इट। अच्छा, आपके डीडीटी में भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे वही बलिया, एक्रेडिट इनकम पे एग्जिट टैक्स, डीडीटी में भी जो आप लगाओगे टैक्स वो भी सेम यही फ्लैट लगाते हैं सरचार्ज। तो ये जो 20 पॉइंट समथिंग समथिंग 555 4% जो आता है आपके पास, वो सरचार्ज को आपको लोड कर देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है जहां पे सरचार्ज की लोडिंग फ्लैट जाती है। ये क्या है 115BBD ध्रुव, ये क्या आपने कह दिया 115BBD। एमएमआर में भी, जो एमएमआर का कंसेप्ट है स्टूडेंट, बिल्कुल सही, एमएमआर में भी आप लोग क्या करते हैं, यू विल टेक इनटू अकाउंट दिस फ्लैट, जो एमएमआर है ना एओपी बीओआई में जो एमएमआर आता है, तो उसमें भी सरचार्ज फ्लैट लगवा दी जाती है। उसमें भी नहीं देखते आप क्या टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर है या नहीं, 50 लाख के ऊपर है या नहीं, ठीक है। 115BBD में तो है नहीं ध्रुव उस तरीके से, ऐसा कुछ जो आप कह रहे हो, ठीक है। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे सरचार्ज टोटल इनकम के आधार पे नहीं लगता, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ, जो अभी आप देख रहे हो, आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट में वन टाइम पेमेंट की बात कर रहे हो, उसमें नहीं देखोगे। दूसरा है आपके पास प्राइमरीली ये 115BAA, 115BAB, उसमें नहीं देखोगे आप। फिर आपके पास है इस कॉन्टेक्स्ट में 115BBE, जो मैंने असेसमेंट पे करवाया था, उसमें भी नहीं देखेंगे आप। और फिर बाद में एमएमआर का वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट, उस पे भी जो लगता है सरचार्ज, वो भी उसमें नहीं देखते हैं कि भाई टोटल इनकम के थ्रेशोल्ड को वो पार गया है कि नहीं। और फाइनली डीडीटी, तो ये सिचुएशन है स्टूडेंट्स, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारे केसेस में क्या है, आपने सरचार्ज आंख बंद करके लगवा देनी है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में सेकेंड अमेंडमेंट आ रहा हूं मैं, आइए सेकेंड अमेंडमेंट करवाता हूं। स्टूडेंट्स, आपको ये पैसे कब तक लेकर आना है, ये रिपार्ट्रेशन कब तक लेकर आना है, 90 डेज फ्रॉम द रेलेवेंट डेट लेकर आना है ना, 90 डेज फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। ये रेलेवेंट डेट क्या है ये भी आपको पता है, 90 डेज फ्रॉम द रेलेवेंट डेट ये आपको लेकर आना है, और ये रेलेवेंट डेट क्या है ये भी आपको आइडिया है लगभग, ठीक। अब अगर आप पैसे 90 डेज के अंदर नहीं लाओगे, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर आप पैसे वो 90 डेज के अंदर नहीं लाओगे, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको इंटरेस्ट का चार्ज लग जाएगा। उस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स, क्या आपको इंटरेस्ट का चार्ज लग जाएगा, एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल लगेगा इंटरेस्ट का चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, वहां से ये इंटरेस्ट का चार्ज लगेगा क्या, ये आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज क्या वहां से ये इंटरेस्ट का चार्ज लगेगा, एंड द आंसर इज नो, ये अमेंडमेंट है नोटिफिकेशन, ये है आपका नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स। आपको ये एक्सपायरी ऑफ दैट 90 डेज फ्रॉम द रेलेवेंट डेट वहां से नहीं लगना है, आपको लगना है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन फ्रॉम द रेलेवेंट डेट इटसेल्फ एंड नॉट फ्रॉम द एक्सपायरी। जनरली क्या होता है, एक्सपायरी से क्या होता है वो इंटरेस्ट चालू होता है, लेकिन यहां पे वो क्या उन्होंने अमेंडमेंट किया थ्रू द नोटिफिकेशन, उन्होंने बोला है नहीं, अगर आपने वो रिपार्ट्रेशन
नहीं किया है विद इन दैट 90 डेज पीरियड, तो हम आपको इंटरेस्ट लगाएंगे कब से, फ्रॉम वॉट, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ वॉट, फ्रॉम द एक्सपायरी सॉरी फ्रॉम द रेलेवेंट डेट इटसेल्फ, फ्रॉम द रेलेवेंट डेट इटसेल्फ। तो ये है सिचुएशन स्टूडेंट्स इस तरीके से। ये है आपका अमेंडमेंट, देख रहे हो आप लोग नोटिफिकेशन, ये एमटीपी वन में आपने देखा ही होगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पे क्वेश्चन भी मैंने डाला हुआ है। ये नो का मतलब क्या है क्रिश? अब ये देखो, यहां पे केस देखो क्या है। पहला पॉइंट, वेयर प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइसिंग हैज बीन मेड सुओ मोटो बाय द एसएससी इन हिज आरओआई। सुओ मोटो वैसे कोई करता नहीं है, लेकिन चलो ठीक है बोल दिया। तो अगर सुओ मोटो किया है, तो वो 90 दिन की जो काउंटिंग होगी वो कहां से हम करेंगे पैसे को रिसीव करने के लिए? तो 90 दिन की काउंटिंग हम करेंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द आरओआई, ड्यू डेट, ना कि फ्रॉम द डेट व्हेन द आरओआई वाज फाइल्ड। फर्क समझ रहे हो आप इस बात को? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द आरओआई, नॉट फ्रॉम द डेट व्हेन द आरओआई इज फाइल्ड। तो 90 दिन की काउंटिंग करेंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द आरओआई। तो आपका ये ड्यू डेट 30 नवंबर होगा, और आपने हो सकता है कि 25 नवंबर को क्या कर दिया, अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, लेकिन आपने 90 दिन का काउंटिंग लेना है फ्रॉम 30 नवंबर, वहां से 90 दिन। और अगर आपने विद इन 90 डेज अगर पैसे को रिसीव नहीं किया है, तो आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है फ्रॉम 30 नवंबर, वहां से गाड़ी शुरू क्या है शुरू होगी। तो देखो इस केस में, डेट फ्रॉम विच इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन नॉन रिपेट्रेटेड एक्सेस मनी और पार्ट देयर ऑफ विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ये आप डेट जो शुरू होगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की, वो शुरू करेंगे आप फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब 30 नवंबर से। मेरे एग्जांपल में आप कैलकुलेशन स्टार्ट करें 30 नवंबर से। पॉइंट नंबर टू, इफ प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस एज डिटरमाइंड इन द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर और द अपेलेट अथॉरिटी हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द एसएससी। भाई किसी ना किसी का तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो एओ का ऑर्डर में जो उसने प्राइमरी एडजस्टमेंट किया है उसको एक्सेप्ट कर लो, या फिर रुकिए किसके लिए, अपेलेट अथॉरिटी के लिए। जब वो ऑर्डर अपना पास करेंगे तब आपको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो उस केस में जिसका भी ऑर्डर है, जिसको आपने एक्सेप्ट किया है, वो ऑर्डर के डेट से 90 डेज, वो ऑर्डर के डेट से 90 डेज, ये बोला गया। और अगर विद इन 90 डेज आपने वो रिपार्ट्रेट नहीं करवाया अपने एई से, तो फिर इंटरेस्ट का चार्ज लगेगा किस डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। बस आप यही दो पॉइंट याद रखें। अच्छा मैं चलो देखता हूं, एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना, देखते हैं वो कौन है ब्रिलियंट स्टूडेंट, और अगर आंसर दे दोगे तो इनाम अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो जरूर से मेरी तरफ से इनाम मिलने वाला है। और एक जगह है था स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, कोई स्टूडेंट्स वो फास्टेस्ट फिंगर फास्ट में पता लग गया उसको, वो शायद सोच ही रहा होगा उसके बारे में, देखते हैं। और एक जगह पे था जहां पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कुछ इसी तरीके से चल रही थी जैसा हमने यहां पे पढ़ा है, वो जगह कौन सी है? ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए 100 मार्क का, तब मजा आ जाए, आर्या पार वाला क्वेश्चन। और एक जगह है जहां पे हमने यही कंसेप्ट पढ़ा था इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेके, वो हमने कहां पढ़ा था? 100 नंबर का क्वेश्चन, मैं एग्जामिनर हूं। इसको कहते हैं इंटरलिंकिंग। देखता हूं कौन है वो स्टूडेंट जो इसका आंसर दे सकता है। क्या हुआ, क्वेश्चन क्लियर नहीं है? अब मैं थोड़ा और बोलूं अशोका तो आंसर ही बता दो। इतना ही क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन में, 100 नंबर का इतना ही क्वेश्चन होगा। चलो क्वेश्चन एक बार वापस से रिपीट करता हूं, आप लोगों की फरमाइश है। जो अभी हमने जो जिस तरीके से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ली है, ये अमेंडमेंट के जैसे जो अमेंडमेंट का इफेक्ट हमने देखा है यहां पे, जहां पे हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखी है,
है ऐसा ही टाइप का एक कैलकुलेशन और एक जगह पे है, वो कहां पर है? अब देखो ये पकड़ पकड़ लिया है, समाधान का आंसर उसने पकड़ लिया है। समाधान अब अपने आप को इम्प्रोवाइज करके दो, बताइए किस समाधान, अपना लोकेशन भी बताइए। आप लोग स्टूडेंट्स अपने अपने लोकेशन भी बताते रहें, जब आप लोग टाइप करो तो लोकेशन पता तो चले आप लोग हो कहाँ से। समाधान ने आंसर बता दिया है और ये आंसर है टीडीएस का, टीडीएस के रिटर्न में नहीं था ये, टीडीएस के डिफॉल्ट पे था। टीडीएस के रिटर्न पे तो ये सिचुएशन आता है, टीडीएस के डिफॉल्ट। औरंगाबाद से है समाधान, बधाई हो। औरंगाबाद में आता हूँ तो वैसे तो मैं आता ही रहता हूँ, काफ़ी टाइम आ चुका हूँ, कृष्णेश्वर में विजिट काफ़ी गया हूँ, तो वहाँ से है। आप लोग चलो ठीक है, आप लोग अपने अपने लोकेशन ही बताते रहो तब तक, कहाँ से हो सब स्टूडेंट्स तो पता चले। हरियाणा से नहीं, ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, हरियाणा में कौन से एक लोकेशन बताओ, पता चले मैं वहाँ से गली से गुजरा भी रहूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं। कृष जोधपुर से है, ठीक है। एक अशोका है पाली मवर से, ठीक है। तो बहुत ये तो आप लोग को मैंने टीडीएस में बताया था, टीडीएस में ये चीज़ बताया था। ध्रुव भोपाल से है, तो नूतन कॉलेज में गए ध्रुव, नूतन कॉलेज में। दीक्षिता मुंबई से, ठीक है। अशोका राजस्थान से, जसप्रीत दिल्ली, दिल्ली में कहाँ से जसप्रीत। साई बाबा सोलापुर से हैं, तानिया दिनेश भी सोलापुर से, ठीक है। स्टूडेंट्स मालती गोवा से, गोवा तो फिर भी बहुत अच्छे लेवल पर है ये इस टाइम पे कोरोना वायरस को लेके, होपफुली ये ऐसी बना रहे। बिल्कुल ध्रुव, एग्जामिनेशन सेंटर है। सोनीपत से भारती, तो सुखदेव के ढाबे में आप लोग जाते होंगे। इंदौर से तानिया है। चलिए स्टूडेंट, चलो अच्छा है लगा, काफ़ी लोगों के एक तरीके से इंडिया का भ्रमण हो गया है आप लोगों से। इंदौर, अहमदाबाद से यश, अहमदाबाद तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आ चुका हूँ, आईसीआई में भी काफ़ी लेक्चर मैंने लिए। कल्याण से है रोहित, रोहित महाराष्ट्र में तो काफ़ी ये है। अच्छा नॉर्थ ईस्ट से है जसप्रीत, दिल्ली में भी वैसे कुछ हालत तो लगभग नरम ही चल रही है। तो स्टूडेंट्स चलिए फिर, बिल्कुल सही कहा आप सभी लोगों ने, प्लीज ये चीज नोट आप लोग करके चलना स्टूडेंट्स। अच्छा, बिल्कुल भारती, बिल्कुल। मैं काफी वहां पे फ्रीक्वेंट, मैं तो काफी गया हूँ उस तरफ, तो मेरा काफी गया है, राइट फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली का रोड ट्रैवल तो बहुत ज्यादा हुआ है। बिल्कुल, तो उस कॉन्टेस्ट में स्टूडेंट अभी लोग ध्यान रखें एक सिचुएशन कि ये जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पे देखी है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन देखी है स्टूडेंट्स, वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या थी कि हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एक्सपायरी से नहीं लेना है, फिर कहाँ से लेना है, रेलेवेंट डेट से लेना है, रेलेवेंट डेट से लेना है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स बताएं आप लोग कि आप लोग उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो आप लोग ने टीडीएस में अगर डिफॉल्ट हुआ है, टीडीएस में अगर डिफॉल्ट हुआ है तो फिर आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताओ कहाँ से बनेगी। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फिर स्टूडेंट्स आपकी बनेगी फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम विच डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन द टीडीएस वाज डिडक्टेड। याद आ रहा है कल हमने वही चीज की थी पेनाल्टी के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो ऐसे ऐसे पॉइंट्स है ना स्टूडेंट्स, आपको लिख के रखना पड़ेगा। देखो मैं क्यों इतना एम्फोसाइज दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए जब टॉपिक चल रहा है ना उस टाइम पे वो सब चीज ठीक लगता है। अब जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ तो अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा, सब चार पांच पॉइंट को इकट्ठे करना, इंटरलिंक करके एक जगह पे समेट देना, ये अदरवाइज डिफिकल्ट है ये बहुत चीज। तो आप लोग इसको समझे कि ये अदरवाइज काफी है, तो एक जगह पे मैं डाल रहा हूँ क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन के डे पे यही चीजें बहुत परेशान कर देती हैं और फिर आपका नर्वस ब्रेकडाउन होना चालू होता है। असली में कुछ नहीं है ये, अभी इसके लिए अभी जो पढ़ रहे हो इसको एक साथ अल्टीमेट ऐसे कंसोलिडेट कर करके इसको एक जगह पे रखना स्टार्ट करें, ठीक है। कृष्ण पूछा मैं कहाँ से हूँ, मैं तो भाई मुंबई से ही, लेकिन मेरा बर्थ प्लेस अगर देखना है तो मेरा बर्थ प्लेस इटारसी है, भोपाल से 2 आवर्स के डिस्टेंस पे, दैट वॉज माई बर्थ प्लेस। और फिर वहाँ से मतलब कि स्कूलिंग वूलिंग तो बाद में सब मुंबई में ही हुई है, वो सिचुएशन है।
ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स आगे आएंगे, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने रखा है, होपफुली आप लोग इसको सॉल्व करना, होमवर्क बहुत आसान है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर वो सारे अमेंडमेंट्स मैंने डाले हैं, सारे अमेंडमेंट्स डाले हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा ठाकुर, आप अभी ये ठाकुर होशंगाबाद में बैठे हो आप। क्वेश्चन नंबर टू, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा जरूर से देख लेना आप लोग। इसके अंदर अमेंडमेंट्स जो है, अच्छा पायल, पायल फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई में जस्ट अभी आया था थोड़े टाइम पहले ही, प्राइम एकेडमी मैलापुर में, आई वॉज इन मैलापुर। देखो वर्ल्ड कितना छोटा है, एक भारत भ्रमण हो गया, यादें आ गई। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू, तो यहां पे फ्रेंड्स इस केस में ये वाला है ना, ये सब टीपी एडजस्टमेंट है, यहां से है ना आपको अमेंडमेंट्स मिलना चालू होगा स्टूडेंट्स। ये वाला है ना सब अमेंडमेंट्स है, प्लीज इसको देख लेना, आसान क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर अमेंडमेंट्स मैंने डाल दिए। तो आप लोग के लिए अमेंडमेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर दो आप लोग एक बार देख के चलना, आपको करना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर दो और क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन, इनफैक्ट अमेंडमेंट क्वेश्चन नंबर तीन पे है, ये जो अमेंडमेंट है दैट इज इन क्वेश्चन नंबर थ्री। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, दिस इज वेयर द अमेंडमेंट इज ऑल अबाउट। ठीक, आगे बढ़े। अब चलिए, तो ठाकुर ये होशंगाबाद में तो सेंटर तो है नहीं, भोपाल में आपको जाना पड़ता होगा, भोपाल या फिर इंदौर, इजंट इट। चलिए शुद्ध, अब हम लोग आते हैं अगले कंसेप्ट पे, लेट्स लुक अपॉन टू द अदर कंसेप्ट। अब अगला कंसेप्ट क्या है आपका, ये हो गया। आइए स्टूडेंट, अब रेमेडी में, सेकंड एडजस्टमेंट देख लिया, अब हम आएंगे रेमेडी की तरफ। तो रेमेडी में स्टूडेंट्स जो होगा ना, एक तो आपका सबसे किस्मत वाले हो, सेफ हार्बर निकल गया। निकल गया का मतलब क्या है, वो जो सेफ हार्बर की रेट्स है अभी तक नोटिफाई नहीं होने की वजह से आपके अटेम्प्ट के लिए नहीं है, तो आप लोग एक तरीके से बरी हो चुके हो, आप लोगों को उसकी टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, ये सेफ हार्बर नहीं है। इसके अलावा क्योंकि देखो ट्रांसफर प्राइसिंग में डिस्प्यूट जो है, ये तो बहुत ही ज्यादा है, सो दिस इज अ ह्यूज डिस्प्यूट जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको मिलने वाला है। और आप इतने डिस्प्यूट के चलते होता क्या है कि उस पर्टिकुलर केस में ये डिस्प्यूट को रोकने के लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, बताइए क्या करना होता है डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स, ऐसे केस में उन्होंने कुछ रेमेडियल एक्शन रखे हैं, जिसमें से एक है डीआरपी जो कि फ्लॉप स्कीम है, लेकिन है प्रोविजन डाला गया, एकेडमिकली प्रोविजन रिलेवेंट है, प्रैक्टिकली ये फ्लॉप स्कीम है। डीआरपी मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, ठीक है, ये एक है। दूसरा जो है स्टूडेंट्स आपका, दूसरा जो है इसके अलावा वो आपका है क्या, ये एपीए, सबसे हिट स्कीम जो है एपीए का, और एपीए एग्जामिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो डीआरपी, एपीए और एक है, वो है मैप, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। ठीक है, मैप ऐसा तो एक्चुअली वो ट्रीटी के जरिए मैप का कंसेप्ट आता है, प्राइमरी ट्रीटी के जरिए ये मैप का कंसेप्ट आता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वैसे तो पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो शॉर्ट नोट के रूप में बस याद रखना, मैं आपको इसका कंसेप्ट बता दूंगा, आपको जल्दी से पता चल जाएगा। अभी हम लोग फोकस करते हैं एपीए में स्टूडेंट्स, फिर डीआरपी जो फ्लॉप स्कीम है उस पर आएंगे। पहले एपीए में आ जाओ स्टूडेंट्स, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ऑल ऑफ यू विल कम टू एपीए। तो चार्ट नंबर आपका 25 में ही आइए, 25 में एपीए क्या है प्राइमरी, कि दोनों पार्टी जो होंगी इस कॉन्टेक्स्ट में, वो एपीए में एक तो टैक्स अथॉरिटीज एज वेल एज द एसएससी, ये दोनों लोग एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, और या तो वो एएलपी ही डिटरमाइन कर ले
सबसे परफेक्ट वाला सिचुएशन या सिनारियो क्या रहेगा कि वो तो एपीए ही डिटरमाइन कर ले। सबसे परफेक्ट वाला सिचुएशन तो यही होगा दैट दे डिसाइड बाय देमसेल्व्स व्हाट द एपीए इटसेल्फ, या फिर अगर एपीए डिटरमाइन नहीं हो सकता, पॉसिबल है कि एपीए वो डिटरमाइन नहीं हो सकता, तो कम से कम क्या कर ले फिर एपीए का डिटरमाइन अगर नहीं हो सकता, देन व्हाट यू शुड बी डूइंग इन दैट केस, एटलीस्ट आप मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या लगाओगे मेरे केस में वो तो डिसाइड कर लो, क्योंकि अगर वो डिसाइड हो चुका है कि ये मेरे केस में ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा है कि जो आपकी एएलपी है और जो मेरा ट्रांसफर प्राइस है लगभग सेम है, और अगर सेम नहीं है तो जो भी डिविएशन होगा वो उतना बड़ा नहीं होगा जिसके वजह से क्या हो जाता है, लिटिगेशन होता है। तो इसी वजह से एपीए में देखिए क्या होता है, दोनों जन मतलब टैक्स अथॉरिटी एज वेल एज एसएससी, इन लोग ब्रेनस्टॉर्म करके या तो एएलपी ही तय कर लेते हैं अगर सारे के सारे फैक्ट्स प्राइमरी मौजूद है तो, लेकिन ये काफी आइडियल सिनारियो हो जाता है कि सीधा सीधा मैं क्या करता हूँ, एएलपी उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का ही तय कर लेता हूँ। सबसे बेहतरीन जनरली क्या होता है एपीए के अंदर, वो एएलपी तय नहीं करते, लेकिन जो मेथड जिसका वो चुनाव करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द एएलपी उसको फ्रीज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप वो फ्रीज कर लो तो उसमें जो डिविएशन की जो गुंजाइश है लगभग ना के बराबर है, लगभग शुडन से ना के बराबर डिविएशन है फिर। तो इसी वजह से एपीए हिट स्कीम है, और ये एज द नेम सजेस्ट एडवांस में क्या है, ये आप एपीए लेते हो, और इसी वजह से ये एडवांस कितना है, फॉर 5 ईयर्स। ये फॉर 5 ईयर्स ये क्या करते हैं, आप इस एपीए को इम्प्लीमेंट करवाते हो, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ये एपीए को इम्प्लीमेंट आप करवाते हो, ठीक है। अच्छा, ये एपीए का स्कीम आपको ये भी पता होगा कि रिलेटिवली ये नया स्कीम है, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन 2002 से आया है, तभी से एपीए नहीं था, ये रिलेटिवली न्यू स्कीम है। अब आप खुद सोचो कि भाई ये ट्रांजैक्शन जिसके लिए हमने एपीए लिया है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले ट्रांजैक्शन नहीं किया था, जो ट्रांजैक्शन जिसके लिए हमने एपीए लिया है, ऐसा नहीं है कि हमने इसके पहले वो ट्रांजैक्शन नहीं किया है, हमने इसके पहले भी ट्रांजैक्शन ये किया था, लेकिन उस समय पे प्राइमरी एपीए नहीं होने की वजह से, एपीए नहीं होने की वजह से क्या हुआ है, हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं, मतलब लिटिगेशन चल रही है उस साल के लिए, फॉर दैट ईयर लिटिगेशन चल रहा है कहां पे, कोर्ट में। और अब क्योंकि एपीए आ चुका है तो हमने क्या किया है कि ट्रांजैक्शन के पहले ही दोनों जन टेबल पे बैठ गए और ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और दोनों में एक तरीके से क्या आ गए, बोथ ऑफ देम डिपार्टमेंट एज वेल एज प्राइमरी एसएससी, एक दूसरे को उनका अपना नजरिया समझने का मौका मिला, एंड देन दे केम अप विद द एएलपी, और इफ नॉट एएलपी तो एटलीस्ट दे हैव फ्रीज द मेथड जिसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, एएलपी डिटरमाइन करेंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि जब आप में उस सेम ट्रांजैक्शन को लेके सहमति बन चुकी है, जो ट्रांजैक्शन आप ये कानून आने के पहले भी किया करते थे, तो जब सेम ट्रांजैक्शन में आप अगर दोनों की सहमति बन चुकी है, तो विजडम क्या कहता है, विजडम या प्रूडेंस क्या कहता है, प्रूडेंस तो यही कहता है कि फिर जब झगड़ा क्यों कर रहे हो पिछले ट्रांजैक्शन को लेके जो कि सेम है एज कंपेयर टू जो ट्रांजैक्शन के लिए आपने एपीए लिया है, तो समझदारी तो यही कहती है कि आप क्या करें, रोल बैक करवा दें, ये जो एपीए जो आपने लिया है उसे आप रोल बैक करवा दें, और वो रोल बैक करके क्या होगा, उस पर्टिकुलर ईयर में जाके ये पर्टिकुलर रोल बैक आप करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली देन यू विल मेक दैट पर्टिकुलर द ये जो डिफरेंस जो भी होगा वो आप उस हिसाब से पे करके इसको खत्म करें। कहने का मतलब है, लेट अस ट्राई टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, एपीए से आगे डिस्प्यूट बनेगा नहीं, और जो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है उसे आप खत्म कैसे करोगे, रोल बैक करके। लेकिन रोल बैक करने के कुछ कंडीशंस है, और कितने साल तक आप रोल बैक कर सकते हो वो भी उसका पीरियड है, और वही चीज इस थियरी के रूप में आपको दिया गया है। अब इसमें अगर आप देखो स्टूडेंट्स, आईसीआई बहुत इंटेलिजेंट तरीके से केस स्टडी पूछता है। अब आप नोटिस करना स्टूडेंट्स, लास्ट अटेम्प्ट में या लास्ट हाँ लास्ट अटेम्प्ट में ही, नवंबर 19 में ही, ओल्ड या न्यू कोर्स में इन्होंने केस स्टडी आया था, वो केस स्टडी पूछते हैं स्टूडेंट्स। केस स्टडी होता कुछ नहीं है, दैट इज एसेंशियली टू टेस्ट द कंडीशन, एसेंशियली टू टेस्ट व्हाट द कंडीशन। अब जो केस स्टडी उन्होंने पूछा था नवंबर 19 में, उसी पर्टिकुलर उसी लॉ पे अमेंडमेंट आ चुका है फाइनेंस एक्ट 2019 का। इसका मतलब ये होगा कि जो जुलाई के अटेम्प्ट में जो
आने वाला है या जो नवंबर में होगा, वही सेम प्रोविजन का आंसर अलग हो गया है बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट। वो क्या है वो मैं बता दूंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग जरा जनरल प्रोविजन उसको देख लेते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक टू द जनरल प्रिंसिपल फर्स्ट। आइए, आइए देखते हैं इसको। इंडियन टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी दोनों के बीच में सुलह हुई है, एग्रीमेंट फॉर डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट टीपी मेथोडोलॉजी। ठीक है, अच्छा एपीए के टाइप क्या होते हैं? इंडिया में अभी फिलहाल जो एग्जामिनेशन में आएगा वो लगभग आपको यूनिलैटरल एपीए ही आएगा। इंडिया में जो आपको आएगा वो लगभग आपको क्या आएगा? यूनिलैटरल एपीए ही आएगा। और उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? एग्रीमेंट बिटवीन टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एग्रीमेंट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दिस वुड बी द यूनिलैटरल एपीए। तो बस वही होता है, एसएससी और इंडिया के टैक्स अथॉरिटी के बीच में क्या है, ये एपीए। जहां तक बायलैटरल एपीए, ये बहुत बड़े लेवल पर है, और मल्टीलैटरल तो उससे भी बड़े लेवल पर है। बायलैटरल एपीए का मतलब क्या होगा कि मैंने अपने एक ही साथ ट्रांजेक्शन किया है। तो जब बायलैटरल एपीए का मतलब होगा कि मैं और इंडिया का टैक्स अथॉरिटी एंड मेरा ए और उस कंट्री का टैक्स अथॉरिटी, ये चारों लोग मिलके क्या करेंगे? प्राइसिंग फ्रीज करेंगे। ये बायलैटरल एपीए मतलब कि हमने अगर सेल किया तो वहां पे परचेज माना जाएगा। अब बेचारा उसको भी तो ट्रांसफर प्राइसिंग का एडजस्टमेंट का बोझ उठाना पड़ेगा, वहां पर भी तो टीपी के एडजस्टमेंट चलते होंगे, परचेज का कॉन्टेक्स्ट में उसके यहाँ पर भी टीपी के एडजस्टमेंट होंगे, हमारे यहाँ पे सेल पे वो टीपी का एडजस्टमेंट कर रहा है। तो ये जो एक तरीके से जो डिफरेंसेस उत्पन्न हो रही है दोनों ज्यूरिसडिक्शन में अलग अलग तरीके से, उसको खत्म करने के लिए तरीका फिर क्या होगा? डूइंग अ बायलैटरल एपीए। और मल्टीलैटरल तो मतलब कि अगर जैसे मैंने बताया ना आपको, एक जॉइंट वेंचर है जिसमें 4-5 AE अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन के दोनों सब लोग साथ आते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब उसमें फिर समझदारी क्या होगी कि भाई सब लोग फिर क्या करें, आए अल्टीमेटली ऑन बोर्ड आए और अकॉर्डिंगली उसके साथ साथ उन कंट्री के टैक्स अथॉरिटी को भी साथ लेकर आए, और सब लोग फिर क्या करेंगे? फ्रीज करेंगे कि भाई सबका अपोर्शनमेंट क्या क्या बेसिस पे दिया जाएगा, सो दैट देर इज अ पीस अक्रॉस ऑल द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ए। ये होता है मल्टीलैटरल एपीए, दिस इज योर मल्टीलैटरल एपीए। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ही एपीए ली जाती है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए एपीए आपको नहीं मिलता। पीरियड जो है जैसे मैंने कहा 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, और रोल बैक अगर कर रहे हो तो 4 प्रिसीडिंग ईयर्स। बाइंडिंग किस पर है? एपीए जो लेता है वो एसएससी जिसने एपीए लिया है वो, या फिर सीआईटी पीसीआईटी या इनकम टैक्स अथॉरिटी बिलो हिम आईटी डिपार्टमेंट। अच्छा एक बहुत मजेदार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है, आप उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने एपीए लिया है, एक कंपनी है ए लिमिटेड उसने एपी लिया है। अब वो कंपनी अब 5 साल के लिए होता है, फॉर 5 ईयर्स पीरियड द एपीए इज टेकन। अब वो जो कंपनी है आफ्टर 2 ईयर्स पीरियड, 2 साल के बाद क्या है, वो आफ्टर 2 ईयर्स पीरियड ये हो जाता है, ये मर्ज हो जाता है। सो इन दैट रिगार्ड स्टूडेंट्स इट गेट मर्ज्ड। अब बोलोगे भाई किससे मर्ज हो गया ये? तो ये मर्ज स्टूडेंट्स हो गया है बी लिमिटेड में, डी मर्जर हो गया इसका, और ये मर्ज हुआ है बी लिमिटेड में। तो ये जैसे ये मर्ज हो जाता है बी लिमिटेड में, तो अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एंड व्हाट इज दैट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो बी लिमिटेड में ये पर्टिकुलर जैसे ये मर्ज हो जाता है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, अब अस्तित्व सिर्फ बी लिमिटेड का बचता है। जैसे मैंने कहा ना कि एपीए के सिर्फ 2 साल हुए हैं, बैलेंस 3 साल बाकी हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या बी लिमिटेड जो कि रिजल्टिंग कंपनी है, जो कि अमालगमेटेड कंपनी है, तो क्या वो फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स क्या वो उसका फायदा उठा सकती है? फॉर द बैलेंस 3 ईयर्स क्या फिर वो उस एपीए का फायदा उठा सकती है? एंड द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं उठा सकती है। सही कहा आप सभी लोगों ने, आप बैलेंस 3 ईयर्स के लिए नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि इट इज बाइंडिंग ओनली ऑन द सेम एसएससी जिसने ये एपीए लिया था। अब क्योंकि बी लिमिटेड हो गया, भले ही आप बोलोगे कि भाई ए लिमिटेड बी लिमिटेड में उसका हिस्सा है, उसका अस्तित्व ही नहीं बचा ए लिमिटेड का, इस वजह से ये आपको अब नई एपीए लेनी पड़ेगी। वो पर्टिकुलर पुरानी एपीए का जो बैलेंस ईयर है वो अपने आप में क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। इस वजह से
रिस्ट्रक्चरिंग अगर करना था आपने तो क्या करना चाहिए था, उस बी लिमिटेड को ए लिमिटेड के अंदर अल्टीमेटली मर्ज होना था, बी लिमिटेड को ए लिमिटेड में मर्ज होना था ताकि ए लिमिटेड जिसने एपीए लिया है उसका अस्तित्व बना रहे, दैट शुड हैव बीन द स्ट्रैटेजी। बट ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस आपको डाले जाएंगे। कंडीशंस फॉर रोल बैक, जरा यहाँ पे देखना क्या बोला गया, कंडीशंस फॉर रोल बैक, सेम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होना चाहिए फॉर रोल बैक ईयर एंड ईयर टू विच एपीए अप्लाइज, तो ट्रांजेक्शन शुड बी सेम। सेकेंड पॉइंट है आरओआई टू बी फाइल्ड अंडर 139(1) रिटर्न ऑफ इनकम, 139(1) में उसका फाइल होना चाहिए। ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, ये प्राइमरी इसका, ये उस साल का फाइल हुआ होगा तब जाके ही ये बेनिफिट आपको दी जाएगी। कहने का मतलब फ्रेंड्स यही है कि अगर आपने उस साल के लिए, जिस साल के लिए आपको रोल बैक चाहिए, अगर आपने कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल किया होगा तो फिर उस केस में क्या आपको ये रोल बैक की बेनिफिट दी जाएगी, एंड द आंसर इज नो। ये पॉइंट नंबर वन जो है कंडीशन का, इट गोज विदाउट सेइंग कि जो एपीए जिसके लिए लिया है और जो रोल बैक जिसके लिए करना है, वो दोनों ट्रांजैक्शन क्या सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, वो तो कहने की बात थी ही नहीं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एपीए, ये भी काफी क्रिटिकल पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोल बैक। बताओ इसके अंदर क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द एएलपी हैज बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील बिफोर आईटैट एंड द अपील इज डिस्पोज, ये काफी क्रिटिकल है स्टूडेंट, और अपील क्या हुआ है, डिस्पोज ऑफ हो चुका है। डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी हैज बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील बिफोर आईटैट, और जो अपील है वो डिस्पोज हो चुका है। पॉइंट नंबर टू, इफेक्ट, ये मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी हैज बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील बिफोर आईटैट एंड द अपील इज डिस्पोज, तो इसमें यही हुआ है कि ये जो एएलपी है सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील है बिफोर द आईटैट, और जो इसका अपील है वो अपील क्या था, पास हो चुका है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान के चलिए स्टूडेंट्स, मान के चलिए कि अगर अगर ये पर्टिकुलर अपील जो है, ये पर्टिकुलर जो अपील है आगे हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या मैं रोल बैक करवा पाऊंगा, अगर ये आईटैट हाईकोर्ट पे पेंडिंग है तो क्या मैं रोल बैक करवा पाऊंगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है और सभी लोगों का लगभग सेम आंसर है, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है कि रोल बैक की बेनिफिट नहीं मिलेगी, और रीजन भाई आपको पता ही है कि ये रोल बैक की बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगी, ये चीज आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, सही जा रहे हो, मानना पड़ेगा आप लोगों को। और ये बात ये है कि देखिए जो ट्रांसफर प्राइसिंग के जो मुद्दे होते हैं ना, आपने सुना देखिए नोटिस किया, ट्रांसफर प्राइसिंग में एक केस लॉ भी नहीं है, कभी आपने सोचा ऐसा क्यों कि ट्रांसफर प्राइसिंग में आपने एक केस लॉ भी नहीं पढ़ा है, और शायद हार्डली कोई पढ़ने की आवश्यकता है, उसकी क्या वजह है कि केस लॉ आप पढ़ते नहीं हो ट्रांसफर प्राइसिंग में, क्योंकि पूरा का पूरा जो ट्रांसफर प्राइसिंग का गेम है इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, फैक्चुअल गेम है स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट द फैक्चुअल गेम, ये अपने आप में क्या है, फैक्चुअल गेम है, इट इज अबाउट द फैक्चुअल गेम एंड नॉट द क्वेश्चन ऑफ लॉ, और हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, आईटैट के लेवल पे फैक्ट्स, इट इज अ फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, तो जितने भी फैक्चुअल एस्पेक्ट हैं प्राइमरी वो खत्म हो जाते हैं आईटैट लेवल पे, तो जब फैक्चुअल बातें अगर खत्म हो चुकी है आईटैट लेवल पे, मतलब उन्होंने अपना ऑर्डर पास कर दिया है, तो फिर अब आप रोल बैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चीज कोर्ट के लेवल पे इसके डिसीजन फाइनल हो चुकी है, क्योंकि ये सारे फैक्चुअल पॉइंट्स पे ही क्या होता है, आंसर आता है। और इसी वजह से ध्यान रखना, ये इन्होंने लिखा है कि केस पेंडिंग होना चाहिए किसमें, आईटैट के सामने, तब जाके ही आपको क्या है, विड्रॉ करना है, अगर आईटैट ने अपना जजमेंट दे दिया विड्रॉ नहीं कर पाओगे। और पॉइंट नंबर टू,
क्या होगा, इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टोटल इनकम। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एपीए अडॉप्ट करके जो आपका एग्जिस्टिंग, जो आपने खुद जो अपने रिटर्न ऑफ इनकम में जो आपने ट्रांसफर प्राइस बताया था, वो एपीए ऐसा ना कर दे कि जो आपका एग्जिस्टिंग, जो आपका खुद का रिपोर्टेड टोटल इनकम है, वो एपीए की वजह से क्या हो जाए, रिड्यूस और हो जाए। मतलब जो आपने खुद अल्टीमेटली क्या किया है, जो आपने खुद रिपोर्ट करवाया है एज अ टोटल इनकम, वो एपीए के वजह से कम नहीं होना चाहिए। बात लॉजिकल है, प्राइमरी उतना तो होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये होगा कि उस साल के लिए जो डिपार्टमेंट ने जो स्टैंड लिया है कि उनके हिसाब से एएलपी से है X+10, X+5, आपने एक्स लिया है एज योर प्राइस। क्या है आपका एक्स, आपने ट्रांसफर प्राइस एक्स लिया है। डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, X+5। तो ध्यान रखना, एज पर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये नहीं होना चाहिए कि एपीए आपका X-1 है। अगर X-1 है तो जो आपका खुद एक्स जो दिया है आपने एज योर प्राइस, उससे जो आपने टोटल इनकम बनाई है, वो खुद ही टोटल इनकम क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। एंड दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। और इसी वजह से स्टूडेंट बताओ क्या होगा, X+5 डिपार्टमेंट का पोजिशन है, आपका पोजिशन एक्स है, तो बिटवीन X+5 एंड एक्स क्या होना चाहिए, एपीए आना चाहिए। बिटवीन X+5 एंड एक्स एपी आना चाहिए। एक्स से कम, X-1, X-2, उससे कम अगर एपी आता है तो क्या रोल बैक पॉसिबल है? एंड आंसर इज नो, एंड आंसर इज नो। ठीक है ना स्टूडेंट, मैक्सिमम एक्स है, बिल्कुल सही कहा ध्रुव ने, सही कहा कि ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त एक्स तक किया जाएगा, एक्स से लेके X+5, बस यही रेंज है आपका। एक्स से नीचे नहीं जा सकते, कहने का मतलब एक्स से नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि एक्स से नीचे गए तो भाई आप क्या कर रहे हो, फिर तो अपना इनकम ही डिक्रीज करवा रहे हो। तो वो तो रिफंड, क्या रिफंड लेना, आपने नहीं रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही कहा, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट कुछ थियोरी वाले नोट्स है, वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ नेक्स्ट पेज में। आइए, लेट्स स्टार्ट। इन केस ऑफ पॉइंट नंबर वन, इन केस ऑफ रिवाइज रिटर्न अंडर 139(5), इफ ओरिजिनल रिटर्न इज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन एक्सप्लेनेशन टू टू सबसेक्शन वन ऑफ सेक्शन 139, देन द एप्लीकेंट वुड बी एंटाइटल फॉर रोल बैक ऑन दिस रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। Whereas, in case belated return under 139(4), rollback provision will not be available because it is a return which is not filed before the due date. तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए रिवाइज रिटर्न भी, बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज की जा सकती है, मानते हो ना, बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकती है। तो अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था कंडीशन क्या है कि भाई जिस साल के लिए रोल बैक चाहिए आपको, क्या उस साल का रिटर्न 139(4) का अगर होगा तो क्या रोल बैक आपको मिलेगा, एंड आंसर इज नो। हाँ, अगर रिवाइज रिटर्न है तो आपको ये क्वेश्चन करना है कि रिवाइज आपने किस रिटर्न को किया है, 139(1) के रिटर्न को किया है तो रोल बैक पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट द रिवाइज रिटर्न स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न। ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है इन कुमार जगदीश चंद्र सेना, और इस वजह से ये क्या हो जाता है, ये ओरिजिनल रिटर्न का अस्तित्व लेता है। लेकिन अगर ये बिलेटेड रिटर्न है और उसको आपने रिवाइज किया है, तो जो रिवाइज करके जो रिटर्न फाइनली बना है वो भी अपने आप में क्या होगा, एक बिलेटेड रिटर्न ही तो होगा। अब आइए पॉइंट नंबर टू, द रिस्ट्रिक्शन वुड ऑपरेट टू एंश्योर दैट द रोल बैक प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली इफ, मैंने क्या कहा था, रोल बैक तभी मुमकिन है जबकि वो आपके एपीए वाले ट्रांजैक्शन से हूबहू मिलता है, वो हूबहू मिलता है तब जाके रोल बैक मुमकिन है। और वो कैसे पता लगाएंगे कि ये हूबहू मिलता है, पता लगाने का क्राइटेरिया क्या होगा, एफएआर एनालिसिस। एफएआर एनालिसिस का मतलब फंक्शंस परफॉर्म, एसेट एम्प्लॉयड, रिस्क अडॉप्टेड, इन दोनों ही ट्रांजैक्शंस में ये एफएआर सेम होने चाहिए, तब जाके ही क्या होगा, ये रोल बैक प्राइमरी, ये रोल बैक क्या होगा, ये रोल बैक प्राइमरी एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर थ्री, द एप्लीकेंट डज नॉट हैव द ऑप्शन टू चूज द ईयर्स फॉर विच इट वॉन्ट्स टू अप्लाई द रोल बैक। इनके पास वो ऑप्शन नहीं है, वो 4 साल में हमें एक काम करें कि 2 साल ही क्या करें, रोल बैक दे दे,
बैलेंस 2 साल ना दें, ये जो चेरी पिकिंग जो होगा ना कि 2 साल ही दें बैलेंस 2 साल ना दें, आप चेरी पिकिंग नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट डू दिस चेरी पिकिंग स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो या तो पूरे के पूरे 4 साल या तो कोई भी नहीं, एज सिंपल एज दैट। दैट एग्जैक्टली वॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑल अबाउट। आइए पॉइंट नंबर 4, इनफैक्ट ये पॉइंट नंबर 3 आया भी था क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक बार। पॉइंट नंबर 4 मैंने अभी भी आपको करवाया कि भाई अगर डिसाइड हो चुका मैटर तो फिर आप आगे नहीं कर पाओगे, ये पॉइंट नंबर 4 अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाइएगा शुंत। इफ द रोल बैक प्रोविजन कैन नॉट बी गिवन इफेक्ट टू फॉर एनी ऑफ द रोल बैक ईयर्स ऑन अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट नॉट टेकिंग द एक्शन स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग सब रूल, दैट इज रूल 10 आर ए। देखिए क्या उनको एक्शन इनको क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे, पहले तो मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको उस साल का रिटर्न, क्योंकि अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि भाई आपका जो ट्रांसफर प्राइस से जो होगा एपीए का प्राइस में आप लोग आ रहे हो, ट्रांसफर प्राइस से एपीए के प्राइस में आना, तो आप खुद क्या बोल रहे हो कि मेरा एक एडिशनल इनकम बन गया, सो देयर इज एन इंक्रीमेंट इन योर इनकम, और वो इनकम आगे आने से क्या हो जाएगा, एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो ये एक पहला पॉइंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो इधर यहाँ पे अगर आप देखोगे फाइलिंग ऑफ द मॉडिफाइड रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 92CD एंड द प्रूफ ऑफ द पेमेंट फॉर एनी एडिशनल टैक्स, प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल टैक्स, वो आपको दे देना है। सेकेंड है स्टूडेंट्स आपका मॉडिफाइड रिटर्न टू बी फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स फॉर विच द एग्रीमेंट हैज बीन रिक्वेस्टेड फॉर इन द एप्लीकेंट। तो ऑब्वियसली पहले साल में ही जब आपने एग्रीमेंट एपीए का किया है तो आपको वो मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, फॉर वॉट, फॉर दैट 4 ईयर्स पीरियड ऑफ द रोल बैक ईयर्स। तो जब आपने पहला साल है एपीए का उसी साल में तो आपको मॉडिफाइड रिटर्न के आपको फाइलिंग देनी होगी ऑफ द रोल बैक ईयर्स। अच्छा अगर कोई अपील पेंडिंग है बताओ क्या करना होगा, कोई अगर अपील पेंडिंग है तो स्टूडेंट्स आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी अपील। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई रोल बैक भी कर लिया और देखते हैं अपील भी चलने दो देखते हैं क्या होता है, ये नहीं होगा प्राइमली, कि फिर आपको जो अपील है उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, ये लॉजिकल बात है, लिटिगेशन खत्म करने के लिए है ना। तो आपने मान लिया रोल बैक इसके लिए करवा रहे हो, ये नहीं है कि भाई डबल क्रॉस करो, आप एक बार रोल बैक भी चाहिए और वहां पे अपील में भी देखना है कहीं किस पे फेवरेबल आता है, वो नहीं होगा। तो बस ये पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स है, बस आपको समझा रहा हूँ ताकि इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 को आप स्किप कर ले। पॉइंट नंबर 7 जो है सेम ड्यू डेट है, ध्रुव ड्यू डेट के हिसाब से विद इन 3 मंथ्स होगा। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे स्टूडेंट्स, द एएलपी वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, पॉसिबल है एएलपी जो एपीए में जो 5 सालों का जो एपीए हमने लिया है वो पॉसिबल है कि वो डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो हमें उससे चिंता नहीं करनी क्योंकि वहां पे एपीए में आपने एएलपी फ्रीज नहीं किया होगा, वहां पे क्या फ्रीज किया होगा आपने, मेथड फ्रीज किया होगा। और जहां पे आपने मेथड फ्रीज किया है, जहां पर भी आपने मेथड फ्रीज किया है वो सारे पर्टिकुलर केसेस में बताइए क्या आपको उसका बेनिफिट मिला होगा, जहां जहां मेथड फ्रीज हुआ है स्टूडेंट्स वो सारे पर्टिकुलर केसेस में आपको एवरी ईयर उसकी जो एपी है वो अलग आएगी, वो उसकी एएलपी अलग बनेगी, इजंट इट। सो देयरफॉर द एएलपी कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। उसी तरीके से अगर मैं रोल बैक भी कर रहा हूँ, वो मेथड को मैंने रोल बैक करवाया, अगर मैंने मेथड को एज एन एपीए फ्रीज किया है और वो मेथड को मैं अगर रोल बैक करूँ तो मुमकिन है वो मेथड को रोल बैक करने से क्या होगा, एवरी ईयर का मेरा जो एएलपी है वो अलग हो सकता है, बट मेथड सेम प्राइमरी क्या है, हर एक वो रोल बैक वाले ईयर के लिए एप्लीकेबल किया जाएगा। सो द एएलपी कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, however the manner of determination of ALP including the choice
ऑफ द मेथड कंपेरेटिविटी एनालिसिस टेस्टेड पार्टी वुड बी द सेम. तो वही मैंने बताया उस कॉन्टेक्स्ट में. इसके अलावा स्टूडेंट्स बस यही पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान रखना. अब आपको पॉइंट नंबर 9, ये भी कभी कभी एमसीक्यू में शायद आ सकता है, एक बार देख लो. द एप्लीकेंट हैज एन ऑप्शन टू विदड्रॉ इट्स रोल बैक एप्लीकेशन इवन मेंटेनिंग एपी एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर ईयर. मतलब कि अगर वो चाहे तो रोल बैक पीरियड के लिए क्या कर सकता है, वो विदड्रॉ कर सकता है अल्टीमेटली अपना एप्लीकेशन रोल बैक वाले ईयर के लिए वाइल मेंटेनिंग द एपीए के लिए वो है. लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप रोल बैक के लिए क्या करो, प्राइमरी मेंटेन करो एपीए और बोल दो कि अब मुझे 5 सालों के लिए, जो फ्यूचर 5 साल है उसके लिए नहीं चाहिए. वो नहीं कर सकते आप प्राइमरी. आपने अल्टीमेटली रोल बैक अगर लेना है वो आपका ऑप्शन है, लेकिन एपीए आपने किसके लिए लिया है, फॉर द फ्यूचर 5 ईयर्स. तो वो कभी नहीं होगा कि जो बेस है विच इज फ्यूचर 5 ईयर्स वही ना रहे और आप रोल बैक कर रहे हो. दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स. अब ये मॉडिफाइड रिटर्न जरा जल्दी से एक बार बता देता हूँ. यहाँ पर अमेंडमेंट आया हुआ है. जो मैंने बताया ना एक कंडीशन है मॉडिफाइड रिटर्न का, वो एक बार देख लेते हैं जल्दी से. द कंसेप्ट ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न. सो व्हाट इज दिस मॉडिफाइड रिटर्न. इन केस ऑफ अ पर्सन हैज एंटर्ड इनटू एन एपीए एंड प्रायर टू द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू सच एपीए ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ द इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 in respect of any AY relevant to the previous year to which the APA applies. तो जो भी AY है जिसके लिए APA apply आपने लिया है, जैसे रोल बैक करके आपने APA लिया होगा, then such person shall, देखिए ड्यू डेट प्राइमरी जो आप लोगों ने पूछा था इस कॉन्टेक्स्ट में, within a period of 3 months from the end of the month in which the said agreement was entered into, furnish a modified return notwithstanding anything contrary provision contained in section 139. ठीक है, तो विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द थर्ड एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इनटू इट. सेकंड इफेक्ट ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न. सच मॉडिफाइड रिटर्न शैल बी इन अकॉर्डेंस विद एंड लिमिटेड टू द प्रोविजन ऑफ सच एपीए. दैट इज द मॉडिफिकेशन कैन ओनली बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ सच एपीए. ये नहीं कि लगे तो ATC का डिडक्शन भी क्लेम कर लिया. देखिए भाई दिवाली की साफ सफाई हो रही थी, कुछ LIC के रिसीट्स दिख गए, उस साल मैंने क्लेम नहीं कर पाया, अब जब क्योंकि मैं रोल बैक कर ही रहा हूं तो लगे या तो ATC का डिडक्शन भी क्लेम कर लूं. ये सब नहीं चलेगा तामझाम. आगे देखो, ऑल द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई एज इफ द मॉडिफाइड रिटर्न इज द रिटर्न. तो वो मॉडिफाइड रिटर्न क्या करेगा, एक तरीके से उसको रिप्लेस कर देगा. ठीक है, मॉडिफाइड रिटर्न उसको रिप्लेस कर देगा. अब आइए स्टूडेंट्स अमेंडमेंट पे. यही क्वेश्चन आपको नवंबर 19 पे पूछा था, लेकिन तभी पोजीशन अलग थी, अब तो अमेंडमेंट हो चुका है तो इसकी पोजीशन अलग होगी. लेट्स हैव अ लुक. असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ द मॉडिफाइड रिटर्न. तो जब होगा इस पर्टिकुलर केस का असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ द मॉडिफाइड रिटर्न, लेट्स हैव अ लुक. इफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट, लेफ्ट हैंड साइड वाली बॉक्स पे ध्यान रखना. इफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स इज कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अलाउड फॉर फर्निशिंग ऑफ द मॉडिफाइड रिटर्न, तो उस साल का जिस साल का हमने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना है, अगर उसका असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है बिफोर वी हैव फाइल द मॉडिफाइड रिटर्न, तो फिर क्या होगा, देखिए नीचे. AO शैल असेस और रीअसेस और रिकम्प्यूट द टोटल इनकम ऑफ द रेलिवेंट AY हैविंग रिगार्ड टू एंड इन अकॉर्डेंस विद द APA. तो वो क्या करेंगे, एक तरीके से ही विल बी कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द रेलेवेंट AY हैविंग रिगार्ड टू एंड इन अकॉर्डेंस विद द APA. ये पहला पॉइंट. अब नोट देखना स्टूडेंट्स क्या लिखा है. विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of September 2019 AO शैल पास एन ऑर्डर मॉडिफाइंग द टोटल इनकम. पहले क्या किया करते थे वो, दे यूज टू रिकम्प्यूट. सो द डिफरेंस इज बिटवीन रिकम्प्यूटिंग एंड मॉडिफाइंग, ये है डिफरेंस. तो पहले रिकम्प्यूटेशन का पावर काफी स्कोप बहुत वाइड था पहले, अब क्या है भाई स्कोप नैरो करवा दिया है. आप सिर्फ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मॉडिफाई करेंगे. अर्लियर दे यूज टू रिकम्प्यूट इट, नाउ दे कैन ओनली मॉडिफाई इट. दैट इज द डिफरेंस. सो AO शैल पास एन ऑर्डर मॉडिफाइंग द टोटल इनकम ऑफ द रेलेवेंट AY डिटरमाइनिंग सच असेसमेंट और रीअसेसमेंट. दिस ऑर्डर शैल बी पास विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द मॉडिफाइड रिटर्न वॉज फर्निश्ड.
ये कब तक उन्हें ऑर्डर पास कर देना है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द मॉडिफाइड रिटर्न वॉज फर्निश्ड। आगे देखो अगले बॉक्स पर राइट हैंड साइड में, इफ असेसमेंट और री असेसमेंट प्रोसीडिंग इज पेंडिंग ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न, कहने का मतलब है वो ऑर्डर पास नहीं हुआ है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं यहां पे स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे, रिकॉम्प्यूट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, पहले बिफोर द अमेंडमेंट दोनों ही केस में रिकॉम्प्यूट किया जाता था, ऑर्डर उसने पास किया है मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने के पहले या ऑर्डर पास नहीं हुआ है मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने के पहले, दोनों ही केस में बिफोर द अमेंडमेंट वो क्या कर सकता था, रिकॉम्प्यूट कर सकता था। अब अगर ऑर्डर पास हो चुका है मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने से पहले, तो वो ऑर्डर को आप सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हो, यू कैन नॉट रिकॉम्प्यूट इट। ओनली वेयर ऑर्डर पास नहीं हुआ है बिफोर फाइलिंग द मॉडिफाइड रिटर्न, दैट यू कैन रिकॉम्प्यूट दिस पर्टिकुलर एंटायर, रिकॉम्प्यूट कर सकते हो आप क्या द एंटायर टोटल इनकम। तो ये सिचुएशन आप लोग स्टूडेंट ध्यान रखना। तो स्टूडेंट इस कॉन्टेक्स्ट में आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। बस ये हो चुका है कंप्लीट। अच्छा मुझे बताओ ये सीबीसीआर ये चीज़ें आपको पता है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, इस बार का वैसे काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ इसका आंसर। से फास्ट सीबीसीआर, पता है स्टूडेंट्स लोगों को। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, नहीं ध्रुव वो 92D लोकल फाइल है एंड मास्टर फाइल, 286 इज द प्रोविजन फॉर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग और उसकी पेनाल्टी 271 GB में, जीबी में रखती जो हमने कल किया था, याद आ रहा है पेनाल्टी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको करवाया था, वो पेनाल्टी में 5,000 फॉर 1 मंथ और 15,000 1 मंथ के ऊपर इफ यू हैव नॉट फाइल द सीबीसीआर विद इन द ड्यू डेट। अब सीबीसीआर में स्टूडेंट्स ये बहुत अपने आप में बोलते हैं ना 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड है, एक तरीके से देखा जाए तो अपने आप में दुनिया का 8वां अजूबा है सीबीसीआर, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 8वां अजूबा अगर आपको देंगे तो 4 ऑप्शन दे सकते हैं, तो जो सीबीसीआर का ऑप्शन है उस पर आप टिक कर लेना, ठीक है। तो ऐसे केस में यहां पे सीबीसीआर ये जो होगा जो सीबीसीआर है जो फाइल आपको करनी पड़ती है ये चीज ध्यान रखना, ये मल्टीनेशनल कंपनी के हेड ऑफिस के लेवल पे फाइल करना पड़ता है। मान के चलो कोका कोला ले लो आप, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कोका कोला यूएसए हेड ऑफिस वहां पर है, मेन पेरेंट कंपनी का लोकेशन तो वहीं पर है। कोका कोला इंडिया उसकी सब्सिडरी है, तो हम सीबीसीआर की जब बात करते हैं तो हम वो पेरेंट लोकेशन प्राइमरी वो लोकेशन के बारे में सोचते हैं, वो फाइल करता है सीबीसीआर और उसको, अब कोका कोला का 125 कंट्री में प्रेजेंस है तो वो 125 सीबीसीआर फाइल करेगा किसके सामने, विद द यूएस टैक्स अथॉरिटी। तो जो मेन जो हेड ऑफिस लोकेशन है वो फॉरेन वो कंपनी का, वहां पर वो क्या करते हैं सीबीसीआर फाइल करते हैं। तो कोका कोला इंडिया नहीं करेगा सीबीसीआर इंडिया में फाइल, हाँ एक सिचुएशन आने वाला है जहां पे कोका कोला इंडिया को क्या करना होगा, सीबीसीआर फाइल करना होगा। इन वन सिचुएशन इट इज द कोका कोला इंडिया दैट विल हैव टू फाइल द सीबीसीआर। अब वो सिचुएशन क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा इंडिया में बाय द वे ये तो कोका कोला इंडिया में, कोका कोला इंडिया कब सीबीसीआर इंडिया में फाइल करेगा वो हम पता लगा लेंगे, लेकिन भाई इंडिया का जो कंपनी है जिसकी हेड ऑफिस इंडिया में है उसका कोई नाम है, तो हाँ है TCS हुआ आपका, रिलायंस है, ICICI, ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पे जो कि इंडिया के मल्टीनेशनल कंपनीज है, दे आर दी मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वो मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया के हैं और अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे, दे आर दी वन
हु विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल द सीबीसीआर, तो रिलायंस के से 25 कंट्री में प्रेजेंस होगी, 25 सब्सिडरीज होगी, तो 25 सीबीसीआर क्या करना पड़ेगा रिलायंस को, इंडियन टैक्स अथॉरिटी के सामने फाइल करना होगा। ये अल्टीमेटली क्या है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है। ये क्यों फाइल करना पड़ता है, ताकि हर एक कंट्री में क्या है, इंफॉर्मेशन सेम जाए सो फार एज दैट कंट्री इज कंसर्न। नहीं तो क्या हो जाता है कि डिफरेंट कंट्री में अगर डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन अगर लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है, तो उससे होता क्या मालूम है, ट्रांजैक्शन एक ही है, मतलब ट्रांजैक्शन है सेल, एक इंडिया के ए ने सेल किया है टू द फॉरेन ए, तो फॉरेन ए का परचेज हुआ, इंडिया ए का सेल हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो एएलपी यहां पे डिटरमाइन की जानी चाहिए एज अ सेल इतना होना चाहिए, वही पोजीशन वहां पे लेना चाहिए इन द फॉरेन कंट्री में। लेकिन आप देखो कितना विचित्र केस आता है हमारे सामने कि भाई इंडिया का जो टैक्स अथॉरिटी है वो ये इंडिया के एई पे इल्जाम लगाता है कि आपने अंडर वैल्यू किया है, बल सेल्स बहुत कम दिखाया है, इल्जाम लगता है, क्या बात का इल्जाम लगता है इंडियन एई पे कि भाई सेल्स तो आपका बहुत कम दिख रहा है, और इल्जाम फॉरेन एई वाले को क्या लगता है बताइए। वहां पे जो इल्जाम लगाया जाता है वो ये है कि आपने परचेज किया बहुत महंगे में, आपने परचेज किया है, तो आप सोच रहे हो कैसे एक डाइकोटॉमी है कि किस टाइप की कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन ली जा रही है एक ही ट्रांजैक्शन पे एट टू डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन। और ये डिफरेंशियल पोजीशन लेने का मेन रीजन है बिकॉज बोथ दी टैक्स अथॉरिटी आर आर चीविंग ऑन, या फिर दे आर सिटिंग ऑन डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, दे आर सिटिंग ऑन डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इस वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट अल्टीमेटली पोजिशन लिया जा रहा है ऑन द सेम ट्रांजेक्शन। और इसी को हार्मोनाइज करने के लिए एक सीबीसीआर का ये क्या रखा है उन्होंने, एक तरीके से एक इन्होंने ये कंसेप्ट तैयार किया। अब क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा कंप्लायंस है, मैंने कोका कोला का एग्जाम्पल आपको दिया ही है, कोका कोला यूएसए जो कि जिसकी हेड ऑफिस यूएसए में, उसकी पूरे वर्ल्ड में 125 कंट्री में प्रेजेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको यूएस टैक्स अथॉरिटी के समक्ष, यूएस टैक्स अथॉरिटी के सामने क्या करना होगा, 125 सीबीसीआर फाइल करने होंगे, और वो सीबीसी एक एक सीबीसीआर इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, मतलब 125 सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स आपको, तब जाके सीए बनोगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। वेदर टोटल कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू एज रिफ्लेक्टेड इन सीएफएस फॉर द अकाउंटिंग ईयर प्रिसीडिंग द रिलेवेंट टैक्स ईयर इज ग्रेटर देन ₹5,500 करोड़, ये पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आप बोल सकते हो यस या फिर नो कि अगर नहीं, हम उतने बड़े, हमारे कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू हमारा उतना नहीं है, तो इतने छोटे कंपनी हो तो भाई सीबीसीआर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप बोलते हो कि हाँ भाई हम उतने बड़े कंपनी हैं ग्रुप वाइज पूरे ग्रुप मिला के, तो फिर आप गेम में हो। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछना है, वेदर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी इन इंडिया, जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, मतलब कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया एंटिटी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या इसका मतलब बोलूँ मैं, कोका कोला इंडिया, वेदर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी इन इंडिया बींग अ रेसिडेंट इन इंडिया, ऑब्वियसली कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब वो इंडियन कंपनी हुई, और अगर ये इंडियन कंपनी हुई तो क्या ये रेसिडेंट मानी जाएगी इन इंडिया, एंड द आंसर इज यस, इज ऑल्सो पेरेंट एंटिटी और एआरई ऑफ द इंटरनेशनल ग्रुप, क्या वो पेरेंट एंटिटी है, जो इंडिया में जो एंटिटी है क्या वो पेरेंट एंटिटी है ऑफ द इंटरनेशनल ग्रुप। आप बोलोगे यस यस, इंडिया के लिए नहीं, कोका कोला के लिए नहीं बोलना है, यस किसके लिए बोलोगे, ये स्टूडेंट्स बताओ किसके लिए बोलोगे, ये बोलोगे आप इंफोसिस के लिए, रिलायंस के लिए, आरएल के लिए, और नो किसके लिए बोलोगे, मतलब पेरेंट एंटिटी कौन नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी के रूप में, इट इज कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो जो पेरेंट एंटिटी है उसका एग्जांपल इंफोसिस आरएल, और जो पेरेंट एंटिटी नहीं है उसका एग्जांपल है कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो जो पेरेंट एंटिटी है इंफोसिस और आरआईएल, रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 286 सबसेक्शन 2, तो वो उसकी रिपोर्टिंग वो कहां पे, वो रिपोर्टिंग कहां पे करेंगे स्टूडेंट्स, 286 सबसेक्शन 2। तो ऐसे केस में पहले इंफोसिस का देख लेते हैं, इन लोगों को रिपोर्ट करना है फॉर्म नंबर 3CEAD, ठीक है, माइनर बताया गया है, रूल नंबर 10DB, और कब तक फाइल करना, कल याद आ रहा है 271GB भी मैंने बताया था आपको,
1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ईयर। तो अगर आप प्रीवियस ईयर 19-20 की अगर आप बात कर रहे हो तो 1 साल प्लस आप कर ले, 31 मार्च 2021 तक आपको क्या कर देना है, सीबीसीआर फाइल कर देना है। और इसी वजह से मैंने अपने जो क्वेश्चन में जो पेनाल्टी का क्वेश्चन जो आपको कल आपको जो करवाया था असेसमेंट के टाइम पे, असेसमेंट 2 के क्लास में, उसमें क्या था कि आपने सीबीसीआर 15 मई को फाइल की थी तो कितनी पेनाल्टी आपको पे करनी थी वो हमने कैलकुलेट किया था इन आर कैलकुलेशन। तो ये तो इन्फोसिस के लिए हुआ। अब आइए कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए आते हैं। अब उसके नीचे एरो जो जा रहा है वो ये है, वेदर पेरेंट एंटिटी इज अ रेसिडेंट और अ कंट्री और अ टेरिटरी। ठीक है, तो जो कोका कोला इंडिया लिमिटेड की जो पेरेंट एंटिटी है तो कौन है पेरेंट एंटिटी, कोका कोला यूएसए। ठीक है, वेयर वो उस कंट्री की रेसिडेंट है, कोका कोला यूएसए वो उस कंट्री की रेसिडेंट है जहां पे पेरेंट एंटिटी मतलब कोका कोला यूएसए इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू फाइल द रिपोर्ट, मतलब वहां पे वो सीबीसीआर फाइल नहीं करती है। और अगर वो वहां पे सीबीसीआर फाइल नहीं करती है तो देख रहे हो वो सांप सीढ़ी वाला जो एरो है ऊपर जा रहा है, आ गया 98 वाला सांप जो बैठा है वो कहां पे आपको लेके आता है, बस वही गेम है। तो वो अगर यूएसए वाला कोका कोला यूएसए अगर वो यूएसए में सीबीसीआर फाइल नहीं करता है तो फिर क्या कोका कोला इंडिया को सीबीसीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा? एंड आंसर इज यस। पॉइंट नंबर बी देखना स्टूडेंट्स, विथ विच इंडिया डज नॉट हैव एन एग्रीमेंट प्रोवाइडिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 286(2)। मतलब कि वो सीबीसीआर तो फाइल करती है यूएसए में लेकिन यूएसए और इंडिया के बीच में टैक्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट नहीं है, मतलब हम यूएसए से वो सीबीसीआर इंडिया वाला मंगा नहीं सकते हैं। अगर ऐसा कोई समझौता इंडिया और यूएसए के बीच में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, कोका कोला इंडिया को मजबूर कर देंगे कि आप क्या करें, सीबीसीआर फाइल करें। एंड पॉइंट नंबर सी, देर हैज बीन अ सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ द कंट्री और टेरिटरी। तो ये सिचुएशन है स्टूडेंट्स, अगर आप बोलोगे कि नहीं नो है, मतलब कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है ए बी और सी में, अगर कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है तो फिर आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ यहां पे कोई सीबीसीआर फाइल नहीं करना है, यहां पे आपको सिर्फ एक इंटीमेशन दे देना है। ये सिर्फ आप इंटीमेशन दोगे, यहां पे सीबीसीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखें, यहां पे सिर्फ इंटीमेशन ही देने का आपको काम करना होगा। दैट इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स एक लास्ट वाला पॉइंट, मास्टर फाइल भी देख लेना आप लोग। इसमें दो मॉनिटरी थ्रेशोल्ड दिया गया है, एक तो कॉमन है प्राइमरी जिसमें 500 करोड़ का है, और जो दूसरा है स्टूडेंट्स उसमें दो में से कोई भी एक एडिशनल वाला जो मॉनिटरी थ्रेशोल्ड है जहां पे मास्टर फाइल, इसमें लाइक फॉर एग्जांपल कोका कोला इंडिया, मैं कोका कोला इंडिया की बात कर लेता हूं। अब आप खुद देखना यहां पे क्या है मास्टर फाइल में, रूल 10D है, वेदर द कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू इज मोर देन 500 करोड़। दस कोका कोला इंडिया को अपने दिमाग में रखना और ये समझने की कोशिश करना कि क्या कोका कोला इंडिया को क्या उन्हें मास्टर फाइल वो करना होगा। तो पहला तो बताओ कि क्या कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू क्या एक्सीड करता है बाय मोर देन 500 करोड़, तो उसका तो आंसर यस ही है। अगर है तो फिर नेक्स्ट जो आया है ना क्वेश्चन उसमें से दो आपको ऑप्शन दिया गया, दो में से कोई भी आपको एक का आंसर लेना है, मतलब एक उसमें से एग्जिस्ट होना चाहिए, दो में से कोई भी एक एग्जिस्ट होना चाहिए। क्या है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एज पर द बुक्स एक्सीड अबाउट 50 करोड़। या फिर अगर नेक्स्ट वाला क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अगर कोई केस है तो उसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़ के ऊपर, एक्सीड 10 करोड़ के ऊपर करना चाहिए। तो अदर देन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, अदर देन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सीड करना चाहिए बाय मोर देन 50 करोड़, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का अगर केस है देन द ट्रांजैक्शन वैल्यू शुड एक्सीड बाय मोर देन 10 करोड़, दोनों में से कोई भी एक, ये एज एन एडिशनल मॉनिटरी थ्रेशोल्ड, एज एन एडिशनल मॉनिटरी थ्रेशोल्ड ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बेसिक मॉनिटरी थ्रेशोल्ड तो 500 करोड़ का है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एडिशनल मॉनिटरी थ्रेशोल्ड दो में से कोई भी एक सेटिस्फाई अगर हो जाए तो फिर उस केस में बताइए क्या, फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को मास्टर फाइल भी फाइल करना होगा बिफोर द इंडियन टैक्स अथॉरिटी। मास्टर फाइल स्टूडेंट्स ये इंडियन टैक्स अथॉरिटी के सामने आपको फाइल करना होता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आइए ये डीआरपी का रूट देखते हैं जो मैं आपको बता रहा था, डीआरपी की रूट।
आइए स्टूडेंट्स जीआरपी के रूट पे। आपको एज ए होमवर्क स्टूडेंट बाद में एक 94B का रह जाएगा, थिन कैपिटलाइजेशन, बहुत आसान कंसेप्ट है। ईबीटा का 30% मैक्सिमम तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, इजंट इट? और MTP 1 में उस पर एक क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिकल डाल रखा है, जो कि आप लोग एक बार देख लेना, बहुत आसान है थिन कैपिटलाइजेशन का एज ए कंसेप्ट। ये मैं आपको करवाता हूँ अभी इस कॉन्टेक्स्ट में, डीआरपी रूट स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखना। पहले तो क्या होता है, वन टू सीक्वेंस पे नजर घुमा के रखना स्टूडेंट्स, क्या होता है ये सीक्वेंस पे ध्यान रखना। टैक्स पेयर क्या करेगा, रिटर्न ऑफ इनकम एंड द फॉर्म 3CEB बाय टैक्स पेयर, ये फाइल होगी उनके तरफ से, इजंट इट? तो उनके भारती ने पूछा है कि सर मास्टर फाइल में क्या होता है। मास्टर फाइल में ये देखो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा ना, ओवरव्यू सर, जैसे नाम में मास्टर फाइल, ये ओवरव्यू का है, प्राइमरी ओवरव्यू ऑफ MNE ग्रुप बिजनेस इंक्लूडिंग, ये वाला पॉइंट। तो ये मैक्रो पिक्चर देता है मास्टर फाइल के अंदर, कंटेंट में ये मैक्रो पिक्चर दिया जाता है, दैट एग्जैक्टली हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड, ठीक है? तो ये एक सिचुएशन बनती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मास्टर फाइल। आगे देखो डीआरपी वाले कॉन्टेक्स्ट में आ जाइए सब लोग। रिटर्न ऑफ इनकम एंड फॉर्म, ध्रुव सर थिन कैपिटलाइजेशन में कंट्रोवर्सी है, बताइए कंट्रोवर्सी एंड में, वो हम लोग देखेंगे। रिटर्न ऑफ इनकम 94B, 94N कहां से आ गया? पहले देखना टैक्स पेयर, रिटर्न ऑफ इनकम एंड फॉर्म 3CEB बाय द टैक्स पेयर, तो टैक्स पेयर अपनी तरफ से ये फाइल करेगा। फिर उसके बाद क्या है, एओ, एओ देख रहे हो, फिर एक रेफरेंस जा रहा है, रेफरेंस जा रहा है किसको जा रहा है, टू टीपीओ बाय द असेसिंग ऑफिसर, क्योंकि ये टीपीओ जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग है असेसमेंट में ही, ये एक टीपीओ स्पेशलिस्ट होता है ट्रांसफर प्राइसिंग के मैटर पे, तो उनको ये क्या है, उनको जाता है ये पर्टिकुलर मैटर रेफर होगा। टीपीओ अकॉर्डिंगली क्या करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस टैक्स पेयर से मंगाएगा, और फिर फाइनली फाइनली क्या होगा, अपना वो ऑर्डर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अपना आर्म्स लेंथ डिटरमाइन करके एओ की तरफ अपना ऑर्डर बढ़ा देगा। अब एओ क्या करता है, प्राइमरी ऑर्डर बाय एओ आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द टीपीओ, जनरली यही होता है, ये चौथा पॉइंट है, ये ऑर्डर बाय द एओ आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ द टीपीओ ऑर्डर। अब नोटिस करना, ये जो ऑर्डर है ना, जो एओ देता है किसको, टू द टैक्स पेयर, ये एक ड्राफ्ट ऑर्डर है, पॉइंट नंबर 5 पे देखना, ये एक ड्राफ्ट ऑर्डर देता है कि भाई देखिए टीपीओ ने ये ALP अडॉप्ट किया है और उसके हिसाब से ये फाइनल, ये आपका एक ड्राफ्ट ऑर्डर बन रहा है। अगर आपको ऑब्जेक्शन रेस करना है तो आप रेस कर सकते हैं, और ये ऑब्जेक्शन आपको रेस करना पड़ेगा किसके सामने, आपको ऑब्जेक्शन रेस करना पड़ेगा बिफोर द डीआरपी, एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग। सो ऑब्जेक्शन टू द ड्राफ्ट ऑर्डर देख रहे हो आप लोग, ये डीआरपी की तरफ आप जा रहे हो, और फिर बाद में ये डीआरपी की तरफ गए हो, और फिर वहां पे डायरेक्शन टू द एओ, डीआरपी क्या करेगा इस कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे बाद में स्टूडेंट देखोगे आप डीआरपी रिप्रेजेंटेशन लेगा एसएससी से, और फिर बाद में एओ को डायरेक्शन देगा पॉइंट नंबर 6, और उस डायरेक्शन के आधार पे पॉइंट नंबर 7 देख रहे हो, ये एओ क्या करने वाला है, ये एओ फाइनल ऑर्डर पास करेगा और दे देगा फाइनल ऑर्डर किसको, टू द टैक्स पेयर। फाइनल ऑर्डर पास करके ये दे देगा टू द टैक्स पेयर। एक बात और एक बता दूं आपको, डीआरपी में सारे के सारे जो पैनल बैठी है, वो सारे के सारे पैनल कौन है, इट इज द CIT, ये CIT की पैनल बैठी रहती है स्टूडेंट्स डीआरपी में, ठीक है? और क्योंकि ये सारे CIT के पैनल है, इस वजह से आप बताओ टैक्स पेयर अगर ये फाइनल ऑर्डर जो पास हुआ है अगर उससे अग्रीव्ड है, अगर उससे अग्रीव्ड है तो फिर वो अपील करने के लिए कहां पे जाएगा, वेयर इट इज गोइंग टू गो फॉर द अपील, वो अपील फाइल करेगा बिफोर पॉइंट नंबर 8 देख रहे हो, बिफोर द ITAT। क्यों अपील करेगा बिफोर द ITAT, क्योंकि डीआरपी में जो पैनल है वो पैनल सारा का सारा किसका है, ऑफ द CIT, और इसी वजह से ये अपील जा रहा है कहां पे, बिफोर द ITAT, और फिर ITAT के बाद हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ये है असली कंसेप्ट डीआरपी का। तो ये सिचुएशन स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखना इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। फिर बाद में स्टूडेंट्स टाइम लिमिट आपको पता होगा, ये 24 मंथ, ये सिचुएशन टाइम लिमिट जो हमने कल भी किया था,
कल भी याद आ रहा, कल हमने किया था, 12 महीना होता है नॉर्मल टाइम लिमिट रेगुलर असेसमेंट का, आपको मैंने करवाया था वो, आपका नॉर्मल टाइम लिमिट प्लस 12 मंथ्स कर देना आप, क्या हो, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। उसी तरीके से 147 के असेसमेंट ऑर्डर को पास करने के लिए 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द नोटिस ऑफ 148 इज सर्व्ड, ये है टाइम लिमिट किसके लिए, फॉर द पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेक्शन 147। अच्छा, अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग का केस को अगर कंसिडर करेंगे तो प्लस 12 मंथ्स आप कर दोगे तो वो हो जाएगा 21 मंथ्स। तो ये इस तरीके से क्या होता है, प्लस 12 मंथ्स का क्या होगा, ये एक तरीके से ऐड हो जाएगा, प्लस 12 मंथ्स क्या हो जाएगा, एक तरीके से ऐड हो जाएगा। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? तो ये है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का प्राइमरी, ये थियोरिटिकल एरिया भी मैंने कवर कर दिया है। अब बाकी जो एरिया है ना थियोरी के, वो आसान है, पेनाल्टी मैंने कल ही करवा दिया था ये चीज को लेके, तो ये मैंने कल ही आप सभी लोगों को करवा दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स? एंड दैट इज हाउ द थिंग्स हैज टू बी कंसिडर्ड। एक लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स मैं आपके साथ कर देता हूँ, क्योंकि नहीं ध्रुव वो वाला नहीं है, वही लास्ट पॉइंट ये आ रहा जो आप बोल रहे हो, वो अलग है चीज, ये लास्ट पॉइंट मैं करवा देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नंबर 2 तो आया था एक मई 16 के एग्जामिनेशन में भी आया था थियोरी के रूप में, ये एडिशनल पॉइंट ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट। पहले पॉइंट नंबर 2 पढ़ लो आप लोग, द ऑर्डर ऑफ द टीपीओ इज बाइंडिंग ऑन द एओ, तो टीपीओ ने जो एएलपी तय कर ली, टीपीओ ने जो एएलपी तय कर ली वो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा बिफोर ऑन द एओ आल्सो। एओ कैन नॉट कंप्लीट द असेसमेंट ऑफ इनकम इन डिसरिगार्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द टीपीओ, तो एओ जो है वो अपना असेसमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता है इन डिसरिगार्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द टीपीओ, मतलब कि एज इट इज उसको टीपीओ के ऑर्डर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एज इट इज। दैट इज व्हाट पॉइंट नंबर 2 इज ऑल अबाउट। पॉइंट नंबर 1 पे आप फोकस करना स्टूडेंट्स इसको। पॉइंट नंबर 3 जो है इसको मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 2 एमटीपी के क्वेश्चन नंबर 2 में भी रखा हुआ है, 2 एंड 3 में, 2 या तो 3 में, मैंने एमटीपी के क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने पॉइंट नंबर 3 को कैप्चर कर लिया। आप जरा फोकस पॉइंट नंबर 1 को करना स्टूडेंट्स अभी के लिए, इसको एक बार बहुत ध्यान से पढ़ना पॉइंट नंबर 1 को, ऑल ऑफ यू। बिल्कुल भारती, नोट्स प्लस एमटीपी। पढ़ लिया आप लोगों ने पॉइंट नंबर 1, तो क्या बोला है उन्होंने पॉइंट नंबर 1 में, कि अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग इफ इट इज स्टेड बाय अ कोर्ट, स्टे मिल जाता है असेसमेंट में, या अगर मैंने किसी रेफरेंस दिया है कोई एक से इंटरनेशनल कंट्री में जहां से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए और मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूं, तो मतलब टाइम तो वेस्ट होते जा रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में, ये टाइम वेस्ट ही हो रहा है। एक तो या तो स्टे हो गया क्योंकि मुझे अपना ऑर्डर पास करवाना है, अब आप खुद सोचो कि 24 मंथ्स मिलता है रेगुलर असेसमेंट की, अगर मैं बात करूं तो 24 मंथ्स मिलता है उसको टू कंप्लीट हिज असेसमेंट ऑर्डर, 24 मंथ्स उसको मिलता है टू कंप्लीट हिज असेसमेंट ऑर्डर। अब 60 दिन उसके पहले मुझे क्या करना होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को अपना ऑर्डर पास कर देना है ताकि वो एओ को दे दे, मिनिमम गैप दोनों के बीच में 60 दिन का होना चाहिए, यही टाइम लिमिट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखो क्या होगा, तो यहां पे अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अटक गया, किस बेसिस में अटक सकता है, इन 2 पॉइंट को लेके, कि असेसमेंट प्रोसीडिंग जो है वो स्टे करवा दी तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर भी है कुछ कर नहीं सकता, आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, या फिर अगर उसने
रेफरेंस कुछ इंफॉर्मेशन के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में उसके लिए एप्लीकेशन दिया है और वो इंफॉर्मेशन के लिए वेट कर रहा है, तो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक वो आगे की अपनी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। तो काफी टाइम चला जाता है इस पूरे प्रोसेस में, या तो स्टे की वजह से या फिर इंफॉर्मेशन को वेट करने के प्रोसेस में इसका काफी टाइम चला जाता है। और इसी वजह से क्या होगा, अगर जब फाइनली जब मिलता है तो जितना टाइम उसका चला गया वो आपको ऐड करना पड़ेगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा दैट पर्टिकुलर पीरियड विच हैज गॉन, दैट हैज टू बी एडेड। और ऐड करने के बाद आप देखोगे उसका जो टाइम लिमिट है, फाइनल जो टाइम लिमिट है, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए क्या लिखा है, टाइम अवेलेबल टू द टीपीओ फॉर मेकिंग द ऑर्डर आफ्टर एक्सक्लूडिंग द टाइम फॉर विच असेसमेंट प्रोसीडिंग्स स्टेड और टाइम टेकन फॉर रिसीट ऑफ इज लेस देन 60 डेज। मतलब कि वो ऐड करके आप एक तरीके से पता लगाओगे, क्या पता लगाओगे कि क्या आपके पास 60 दिन का टाइम अभी भी है एज कंपेयर टू द ड्यू डेट। जो ड्यू डेट आपका है उससे 60 दिन आपके पास टाइम लिमिट है, अगर है तब तो कोई बात नहीं है, अगर 60 दिन से कम हो गया है, टाइम आपकी कम है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको फिर उस केस में क्या करना है स्टूडेंट्स, यू आर सपोज टू देन टेक इन टू अकाउंट 60 डेज का फर्दर एक्सटेंशन। उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, आप जल्दी से एक प्रैक्टिकल, लास्ट हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आइए स्टूडेंट इस पे ये वाला करके आना, इस पे आईसीआई इसी पे नजर रखा हुआ है, कभी भी ये विस्फोट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से रिवीजन लेक्चर नोट्स की बात कर रहे हो दीक्षिता, विच रिवीजन लेक्चर नोट्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए स्टूडेंट्स, देखो ये जो हमें अभी प्रोविजन किया था ना, हाउ डू वी एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो जो आपका प्रोविजन है उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एवाई 2021 द एओ मेड रेफरेंस टू द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 92 सीए ऑन जून 3, 2021, तो उसने रेफरेंस इस दिन पे किया है। दी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आर स्टेड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन डिसम्बर 20, 2022, द स्टे इज हाउएवर वेकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वेकेट कभी हुआ सुप्रीम कोर्ट का, ऑन 29 जनवरी 2023, तो उतना दिन 40 दिन का टाइम खराब हुआ है, 20 दिसंबर से काउंट करके आपको चलना है जनवरी 29 तक। फाइंड आउट द ड्यू डेट फॉर पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एओ एंड द टीपीओ, टीपीओ और एओ का दोनों का ड्यू डेट क्या होगा ऑर्डर पास करने का, वो आपको पता लगाना है। अब देखो जो प्रोविजन पड़ा है उसका इफेक्ट किस तरीके से इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देंगे। पहले तो आप नॉर्मल ड्यू डेट पता लगाएं, नॉर्मल ड्यू डेट में क्या होगा कि एओ को 24 मंथ्स के उसमें से उसको कंप्लीट करना है, तो 24 मंथ्स के हिसाब से अगर जाऊंगा तो ये ड्यू डेट आती है। और जहां तक ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर है उसको 60 दिन पहले इस ड्यू डेट से 60 दिन पहले इसको काम कंप्लीट करना है, तो 60 दिन पहले का कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, तो ये आया है आपका जनवरी 30, 2023। अब आप देखोगे, आइए दीक्षिता जो करंटली हो रहा है उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है प्राइमरी, अगर आप देखोगे ये टेलीग्राम चैनल है उसमें देख लो आप सीए दुर्गेश सिंह के। तो उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स पीरियड स्टेड ऑफ 45 40 डेज, पीरियड स्टेड ऑफ 40 डेज डिसंबर 2022 से लेके जनवरी 29, 2022 कुड बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, तो कुड बी एक्सक्लूडेड, तो 40 दिन आपको एक्सक्लूड करना है। तो आप देखो मैंने क्या बोला, जो आपका ड्यू डेट होगा आपको उससे ऐड करना है, क्या ऐड करना है आपको, वो 40 दिन आपने ऐड किया जो आपका खराब हुआ है, और यहाँ पे आपका 31 मार्च ये था, 40 दिन आपने यहाँ पे ऐड करवा दिया ठीक एक्सटेंशन का। तो अब रिवाइज डेट क्या आता है इसका, वो आपने ऐड करने के बाद रिवाइज डेट कितना आता है प्राइमली, ये आ रहा है 11 मार्च और इसका आ रहा है 10 मई। जो ड्यू डेट है उसको आप ऐड करके कितना आपके पास आ गया है, 40 दिन इसको ऐड किया, यहाँ पे 40 दिन आपने ऐड किया, तो रिस्पेक्टिव आपको डेट आ गया। अब आप नोटिस करना डेट ऑफ वेकेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट,
कब लिफ्ट हुआ है, वेकेशन कब हुआ है, 29 जनवरी 2023। वो 40 दिन ना, 40 दिन का, 29 जनवरी 2023। तो आप नोटिस करना, सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन से प्लस ड्यू डेट के एक्सटेंशन से, जो हमने ड्यू डेट को 40 दिन से एक्सटेंड किया, उसमें डिफरेंस देखिएगा, क्या डिफरेंस 60 डेज के बियॉन्ड गया है कि नहीं, क्या वो डिफरेंस 60 डेज के बियॉन्ड गया है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जब वो हुआ, स्टे को वेकेट किया गया, और ड्यू डेट के एक्सटेंशन से, जो ड्यू डेट जो था एग्जिस्टिंग आपका, उसको मैंने 40 दिन से एक्सटेंड करने के बाद, दोनों के बीच में डिफरेंस देखना कि मेरे पास क्या 60 दिन का अभी भी टाइम मिलता है अपने ऑर्डर को पास करने का। डू आई हैव दैट 60 डेज का बफर है कि नहीं मेरे पास टू पास द ऑर्डर। तो अगर आप बोलते हो कि हाँ 60 डेज का बफर है, यहाँ पे देखो आपके पास 60 डेज का बफर है, इस कॉन्ट वेदर एट अ टाइम, सॉरी यहाँ पे बफर नहीं है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट मतलब वेदर द टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए इज लेस देन 60 डेज एज ऑन द डेट ऑफ वेकेशन, मतलब कि 60 डेज का बफर इसमें नहीं है, क्या इसमें 60 डेज का बफर है? एंड आंसर इज यस। तो जिसमें बफर नहीं है तो आप क्या करोगे, जिस डेट से वेकेशन हुआ है उस डेट से 60 डेज करोगे आप, जिस डेट से वेकेशन हुआ है उस डेट से 60 डेज। कहने का मतलब मिनिमम 60 दिन तो उसके पास होना ही चाहिए जब से सुप्रीम कोर्ट का वेकेशन हुआ है, या जब आपको इंफॉर्मेशन मिला है फ्रॉम द फॉरेन अथॉरिटी, वहां से कम 60 डेज आपके हाथ में होना चाहिए। तो आपने ड्यू डेट को पहले एक्सटेंड कर दिया फ्रॉम दैट, जो टाइम खराब हुआ है उससे ड्यू डेट आपने एक्सटेंड करके रिवाइज ड्यू डेट निकाला है, और फिर आपने क्या किया है, वो जो एक्सटेंशन हुआ है प्राइमरीली आपको, फिर आपने कंपेयर किया है उस एक्सटेंडेड ड्यू डेट को किससे, फ्रॉम द डेट ऑफ वेकेशन या फ्रॉम द डेट व्हेन द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, और कंपेयर करके आपने पता लगाया कि मिनिमम 60 डेज का गैप है या नहीं। अगर है मिनिमम 60 डेज का गैप, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो आपको वो जो डेट का वेकेशन हुआ है, जिस डेट को वेकेशन हुआ है, या फिर जिस डेट को आपको इंफॉर्मेशन मिला है फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वहां से आप प्लस 60 डेज कर ले, और फिर वो आपका बनेगा द फाइनल पर्टिकुलर ड्यू डेट, जिस डेट तक आपको अपना ऑर्डर पास कर देना है। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? तो ये सिचुएशन बनता है इस असेसमेंट प्रोसीजर के टाइम लिमिट की बातें, जो आपको दिन रात सताई जाती है। और लीजिए अब ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे मैंने बताया ना कि अब इसमें कुछ है नहीं, इसमें आपने कुछ बच्चे कुच्चे जो थियरी है, लोकल फाइल हुआ वो एक बार देख लेना, और बस आपका थिन कैपिटलाइजेशन एंड दैट शुड बी ऑल सो फार एज दी ट्रांसफर प्राइसिंग इज कंसर्न। थिन कैपिटलाइजेशन पे आप देखोगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैंने डाल रखा है, इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक, इफ यू कैन हैव अ लुक टू दिस वन, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, MTP 1। आपको स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया, अभी भी बता रहा हूँ, फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कि 15 तारीख को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे MTP के सारे MTP के मैं सोल्यूशन वहां पे 15 तारीख को अपने टेलीग्राम चैनल में शाम को 6 बजे डाल दूंगा, तो जरा भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 8, ये आप लोग कर लेना अपने एंड पे, आसान है इस कॉन्टेक्स्ट में, जस्ट डू इट वंस एंड दिस शुड बी ऑल। तो ये हो गया जनाब आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर भी देखते देखते अब कंप्लीट हो चुका है। जैसे करवाया गया था शुरुआत के पूरे रुझान से उसी तरीके से चलना, कुछ नोटिंग भी मैंने करवाई है बीच बीच में आपको, जैसे कि थ्रेशोल्ड लिमिट्स की नोटिंग जो हमने पहले सेशन में किया था, वो किसका थ्रेशोल्ड क्या है वो हमने पहले सेशन में किया था, फिर कुछ कंपैरिजन मैंने आपको करवाते गया था बीच बीच में, सरचार्ज का कंपैरिजन और रेलेवेंट डेट का कंपैरिजन। तो जो जो मैंने करवाया ना कंपैरिजन, वो सब की नोटिंग आप करके चलना, क्योंकि यही आपको अल्टीमेटली पार लगाएगा, और यही माइजरी का सबसे बड़ा रीजन होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर सेशंस, यही सबसे होता है माइजरी का बड़ा रीजन। जैसे जैसे टाइम कम होते जाता है माइजरी यहीं से उत्पन्न होती है, और इसी को आप कंसोलिडेट कर ले, कैप्चर कर ले, और अपना एक फर्म बेस और उसका होल्ड बना ले। प्रैक्टिकल्स लाजवाब मैंने रखे ही हुए, बस वो चीज़ है एडिशनल प्रैक्टिस आपको और करनी है प्रैक्टिकल्स को लेके, इसके अलावा भी अगर करनी है तो अब एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस जो आपके पास है आप कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपको तो एक बार फुल स्टॉप तो लेनी पड़ेगी। तो अब जब आप फाइनली आप कर रहे हो तो एक काम बस करना कि प्रैक्टिकल्स अब आपको और क्या देखना है इसके अलावा, वो आप एक बार फ्रीज कर लें, क्योंकि बार बार अन इनडेफिनेटली और इनफाइनाइटली आप ऐसे ही अल्टीमेटली हर टाइम पे जा नहीं सकते, आपको उसका एक फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। ये बस मैंने आपको बताना है।
बिल्कुल जसप्रीत, जसप्रीत ने बता दिया 10 की लिमिट हो गई है बस। आप अगर जसप्रीत ऐड करना चाहो और लिमिट्स, अगर स्टूडेंट्स अगर आपको ऐड करना है तो दो और लिमिट आप ऐड कर सकते हो, वो है आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट का 1 करोड़ के ऊपर और थिन कैपिटलाइजेशन वो भी 1 करोड़ के ऊपर। तो ये दोनों ही लिमिट्स को आपको और ऐड करवा देता है मोर देन 1 करोड़ का, और ये दोनों का क्या है 94B और आपका दूसरा थिन कैपिटलाइजेशन। कल की सेशन जो होगी स्टूडेंट्स वो हम लोग 9 बजे करेंगे, 9 बजे कंपनी असेसमेंट की टॉपिक होगी और उसके अंदर मैट होगा, और मैट में मैं जो एडवांस एडजस्टमेंट होंगे वो ले लूँगा आप लोगों के साथ, एंड ये जो कंपनी असेसमेंट के जो नए सेक्शंस आए हैं 115BAA, उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ कार्रवाई आप सभी लोगों के साथ की जाएंगी। चलिए बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अशोका, मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन रीसेल प्राइस मेथड एंड TNMM? देखिए रीसेल में मैंने बताया ना, एग्जाम्पल आप याद रखो, रीसेल में मैं क्या बताया, लॉरियल का प्रोडक्ट, शैम्पू, वो सब प्रोडक्ट जो भी आते हैं आप इंपोर्ट करते हो, वही को आप एक्सपोर्ट कर, वही चीज को आप रीसेल करते हो, ये रीसेल होता है। TNMM मेथड में क्या होता है, इंपोर्ट किया आपने रॉ मटेरियल, आगे प्रोसेसिंग की और फिर आपने उसको बेचा, ये होता है आपका TNMM मेथड का एक एग्जाम्पल। ठीक है चलिए स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है इस कॉन्टेक्स्ट में। रीसेल प्राइस मेथड बिल्कुल जसप्रीत ने सही कहा है। बिल्कुल बिल्कुल जसप्रीत जी ने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल का टाइम 9 बजे। नौ से 5:30, 5:30 तक ही है कल, क्योंकि शायद आपका 6:30 को ऑडिटिंग का लेक्चर है इस वजह से। ठीक है चलिए, आज 8 बजे पहले देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जी की अनाउंसमेंट भी तो देखनी है, तो चलिए वो भी, उसका भी टाइम हो चुका है एक तरीके से, होपफुली सब चीज़ ठीक हो। थिन कैपिटलाइजेशन भारती एक बार 94B पढ़ना, 94B, उसमें पता चलेगा कि AE से लोन लिया अगर आपने है, AE से अगर आपने लोन लिया है तो मैक्सिमम आपको 30% ऑफ EBITDA, 30% ऑफ EBITDA तक का ही क्या है डिडक्शन दिया जाता है, एक्सेस ऑफ 30% ऑफ EBITDA। EBITDA तो टर्म आपको पता है, फाइनेंस टर्म है ये, तो एक्सेस ऑफ 30% ऑफ EBITDA जो होगा वो आपको क्या होगा, डिसला हो जाएगा, करंट ईयर में डिसला हो जाएगा। ये है थिन कैपिटल। तो एक अपर लिमिट दिया है कि जब आप लोन लेते हो किससे, AE से, जब आप लोन लेते हो AE से तो कितना तक का इंटरेस्ट जो आप पे करोगे उसकी डिडक्शन दी जाएगी, तो एक अपर लिमिट दिया गया है इन इन 94B। तो अपर लिमिट क्या है, 30% ऑफ, 30% ऑफ EBITDA और उसके ऊपर एक्सेस ऑफ द इंटरेस्ट डिसलाउ हो जाएगा करंट ईयर में, करंट ईयर में वो डिसलाउ हो जाएगा। एक बार उसको पढ़ लेना तुरंत के तुरंत। ठीक है चलिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल 8 ईयर तक ये कैरी फॉरवर्ड होगा अशोका। फैक्टरिंग वाला जसप्रीत क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे MTP में वो आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट, MTP का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है MTP का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट, सी यू देन टुमारो एट 9। मैंने बताया ना कंपनी असेसमेंट होगा मैट के एडवांस टॉपिक 115BAA, वो कंपनी असेसमेंट के एडवांस टॉपिक होंगे।
चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर कल की क्लास में. सी यू देन.